वेलकम बैक टू मेहेकती मॉर्निंग. आप लोगों का मैं हाल चाल पूछ रही थी आप लोग ठीक होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे और खुश होंगे इस वक्त, और अच्छा सा आपका रोज़ा चल रहा होगा. सॉरी, मुझे लग रहा था मेरी ऑडियो आप तक नहीं पहुंच रही, सिर्फ वीडियो आ रही थी, तो वो हम ठीक करके वापस आ गए. अब आप मेरी प्यारी प्यारी बातें सुन सकेंगे. तो मैं सोच रही थी कि अच्छा हुआ कि रमज़ान जो है वीकेंड पे स्टार्ट हुआ है, ताकि आपको वो जो एक बफ़र चाहिए होता है स्टार्ट होने का रमज़ान में, थोड़ा सा आप सुबह उठते हैं और पहली जो है आपने पूरी रात भी अगर जागे हुए थे, सहरी आपने बनाई, उसके बाद नमाज़ पढ़ी, फिर सो गए, फिर आप जोहर से पहले जो है जागे और उसके बाद आप पूरा दिन जागे रहे, तो आपको वो एक बफ़र मिल गया. आज जो है सही इम्तिहान होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सुबह सुबह जितने भी लोग हैं जिन्होंने ऑफिस जाना है वो 6 बजे उन्हें उठना होता है, और सहरी आपकी जो है वो 3:20 पर इस्लामाबाद में रोज़ा जो है वो बंद हो जाता है. तो वो टाइम इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता. अगर आपने नमाज़ पढ़नी है, बाद में तिलावत करनी है, तो इतना टाइम नहीं बचता कि आप दोबारा सोएं और फिर उठें, तो आपकी नींद के साइकिल जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब होंगे. तो मैं आपको रेकमेंड ये करूँगी कि नींद क्योंकि बहुत ज़रूरी है सबके लिए, तो नैप जो है वो दिन में ज़रूर ले लिया करें अगर आपको मिलता है. जो ऑफिस जाने वाले हजरात हैं उनको भी आई थिंक सो ऑफिस के टाइमिंग्स छोटे कर दिए जाएंगे, तो जब आप घर जाते हैं तो नमाज़ पढ़ के उसके बाद 1 घंटे के लिए ज़रूर सो जाए करें, ताकि आपका साइकिल जो है वो डिस्टर्ब ना हो. दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि वो हजरात जो कि सुबह सहरी करते हैं, उसके बाद छुट्टियाँ हुई हुई हैं, स्पेशली उसके अंदर टीनेजर्स हैं, वो बच्चे हैं जो रोज़ा रख रहे हैं शौक से, लेकिन सहरी करके सो जाते हैं और फिर इफ्तारी के ऊपर उठते हैं, तो बेटा ऐसे रोज़े का भी कोई फ़ायदा नहीं. क्योंकि आपने अगर सही इम्तिहान लेना है तो आपकी आँख का, आपकी कान का, आपके हाथों का, आपके पैरों का, कि आप किस महफिल में चल के जाते हैं, क्या काम करते हैं हाथों से, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, कितना आपके गुस्से पर आपको काबू है, कितने प्यार से आप किसी और से बात कर रहे हैं, आखिरत के लिए है, ये आपकी बेहतरी के लिए, ये आपका रिश्ता है खुदा से, किसी और को इसके लिए आप जो है जिम्मेदार नहीं ठहराते, उसके ऊपर नहीं डालते. ये सब आपके रोज़े का इम्तिहान होता है. सिर्फ फाका करना कि सुबह सहरी की और उसके बाद शाम को अफ्तारी कर ली और उसमें भी पूरा दिन मुंह बनाए रखा, अम्मा जी बात ना करें मेरे से, तो ये ना करें, तो मेरा रोज़ा है, तो मैं हिलूँ भी ना ज़रा सा तो मुझे रोज़ा लग जाएगा, तो ये काम ना कीजिए प्लीज़. रोज़ा जिस मकसद के लिए है उस मकसद को ज़रूर पूरा करें. और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है जो कि खाना बनाती है, बाद में इफ्तारी बनाती है, अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखें. घर में अगर आपके बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं तो बच्चों को स्पेशली ये बात बता दें कि इस तरह की डिमांड्स कर, 2 घंटे बाद चिप्स बन रहे हैं, तो अब मुझे नगेट्स चाहिए, तो अब मुझे ये चाहिए. ये करना ऐसे टाइम पे अच्छा नहीं है. आपकी भी जो है जो डोमेस्टिक हेल्प है उनका भी रोज़ा होता है, तो वो अगर पूरा दिन गर्मी में चूल्हे के सामने गुजार देंगे और यही सारा कुछ कर रहे होंगे तो उनका रोज़ा भी मुश्किल हो जाएगा. थोड़ा सा खुद भी उनका हाथ बटाएं और एक अच्छी सी रूटीन उनके लिए भी सेट कर दें, ताकि आपको ये एहसास रहे कि किसी और का भी रोज़ा है. बच्चों को थोड़ा सा बोले अपनी भूख पर आपने कंट्रोल करना है, थोड़े टाइमिंग्स जो है उनका एक दिन का खाना है वो सेट कर ले, बाकी अपने साथ जो है थोड़ा सा सेट कर ले, उनकी छुट्टियां हैं तो ये बेहतर हो जाएगा. मर्द हजरात, अभी मैंने एक सवाल पूछा जब हम ब्रेक पे थे, तो यहाँ पे जितने भी कैमरामैन हैं मर्द हजरात, तो मैंने इनसे बोला क्या रूटीन है आप लोगों की, मतलब आप लोग सोते हैं रात को या आप उठ के मतलब सहरी करते हैं? तो मैंने कहा नहीं, हम उठ के सहरी करते हैं. तो मुझे एहसास हुआ कि तो खवातीन हैं बेचारी, माएँ हैं, बेगमात हैं, लड़कियाँ बच्चियाँ हैं जो सुबह उठ के उन्हें थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, फिर वो किचन में लगी हुई होती हैं, आँखें बंद होती हैं और घर के सारे जितने भी अफराद हैं उनके लिए वो सहरी बना रही होती है. फिर अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो दिन में वो किचन में भी रहती हैं पूरा दिन, उसके बाद इफ्तारी भी बना रही होती हैं. और मैंने अपनी अम्मी को देखा है, मैंने अपने आप को देखा है कि जब आप इफ्तारी बना रहे होते हैं तो कॉन्स्टेंटली आना जाना होता है आपका, जो है सारे लोग बैठे हुए टेबल पे, ओह ये रह गया मैं ये ले आऊँ, ये रह गया, चलते फिरते खजूर जाती है आपके पेट में और वैसे ही पानी आप पीते हैं, और कभी भी आप बैठ के सुकून से जो है इफ्तारी नहीं कर रहे होते जब तक सबका सब कुछ पूरा ना हो जाए. तो मेरी जो है मर्द हजरात से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जो है उनके साथ हाथ बटाइए, थोड़ा सा किचन में जाइए, जिम्मेदारी को बांटे, ताकि वो भी आराम से आपके साथ बैठ के जो है सहरी कर सकें, इफ्तारी कर सकें, कभी कुछ सरप्राइज कर दें, कुछ बाहर से लेकर चले जाएं, ताकि उनको जो है उनको बाहर लेकर चले जाएं, ताकि इतना ज़्यादा जो है ये डिफरेंस ना हो. प्लीज़ मुझे अभी एक बात एहसास हुई कि वाकई सिर्फ ख़वातीन ही है जो किचन में होती हैं, वरना तो इंटाइटल फील करते हैं मेरे साथ. सुबह भी यूँ बैठे होते हैं, जल्दी उठा दिया, शाम को भी यूँ बैठे होते हैं कि कब अफ्तारी होगी, हम क्या करें. तो रोज़ा जो है सबका होता है, तो ये थोड़ा सा एहसास करना है. फिर गाड़ी अगर आप तेज़ चला रहे हैं, रोज़े का टाइम हो गया है, गाड़ियों का उफ, कभी आप अफ्तारी से अगर आप गलती से आधा घंटा पहले रोड पर हैं
तो आपको पता चल जाएगा कि स्पीडी वाली ड्राइविंग क्या होती है और डेंजरस ड्राइविंग क्या होती है, रैश ड्राइविंग क्या होती है, और उस वक्त जो अस्तग़फ़िरुल्लाह गाली गलूच चल रही होती है कि गाड़ी अगर गलती से भी किसी ने काट दी, और गलती होगी, और वो मेरा रोज़ा है और रोज़े के साथ इतनी सारी गालियाँ बक देते हैं कि आप सोचते हो कि यार ये किस कैसा सब्र है, ये कैसा रोज़ा है, या आप क्या चीज़ किस चीज़ का मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही अजीब सी बात है। प्लीज़ ये याद रखें कि जब आपका रोज़ा है, नंबर वन वो आपकी ज़ात के लिए है, आपका रिश्ता जो अल्लाह ताला के साथ है वो उसके लिए, आपने अपनी कब्र में जो है जाना है ख़ुद, आपके आमाल आगे आपकी ही जो है ज़िंदगी को जो आफ्टर लाइफ में उसको बेहतर करेंगे या उसको नहीं बेहतर करेंगे। किसी और के साथ बुरा होना या किसी और को डांटना, किसी और के साथ बदजुबानी करना, ये जो है आपकी आमाल में, आपकी नेकियों में कमी लेकर आएगा, ज़ाती नहीं लेकर आएगा। रमज़ान का बाबरकत महीना है, तो मैं सबको कहती हूँ कि जो है ना, आप लोगों को थोड़ा सा लालची हो जाना चाहिए रमज़ान में। किस बारे में? नेकियां बटोरने के बारे में। अल्लाह ताला जो है साथ में कहते हैं सबसे निचले आसमान पे आ जाते हैं, तो आप जितनी दुआएं करते हैं सारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनी जाती हैं, उसके बाद आप जितनी इबादत करते हैं उसका आपको जो सवाब है वो दुगना तिगना होके मिलता है, आपके जो नफल होते हैं उनका आपको फ़र्ज़ के बराबर जो है वो सवाब मिलता है। तो जितनी आप नेकियां करेंगे, ये नेकियां कमाने का महीना है, और दूसरों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का, कुछ अपनी जो आप खैरात करते हैं वो देने का, कुछ उनकी अफ्तारी कराने का, ये जो है नेकियां बटोरने वाला महीना है। मैं और मेरी दोस्त जो है बात कर रहे थे, और हम यही सोच रहे थे कि हर चीज़ का डबल ट्रिपल गुनाह होता है, तो इस महीने में तो आपको ढेर सारी इबादत करनी चाहिए, और जितना आप दूसरों को भी अच्छी बात कर सकें, प्यार से बात कर सकें। मैं हमेशा कहती हूँ एक अच्छा इखलाक भी सदक़े जारिया है, जितनी आप अच्छी बात करेंगे, जितना आप अच्छा जो है बताएँगे अपने आप को। एक छोटी सी मैंने बात सुनी थी, और अगर हम ये बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक साहब है, उन्होंने कहा, दो लोग बैठे हुए थे टैक्सी में, और एक साहब जो है वो उनकी गाड़ी उस टैक्सी से लगने लगी, तो वो उतर के आई, इवन तो उन्हीं की गलती थी जिन्होंने आगे बहुत बुरी तरह ब्रेक लगाई थी, तो वो उतर के आए और उस टैक्सी वाले को जो है बहुत बुरी तरह डांटना शुरू हो गए कि तुमने देखा नहीं, मेरी गाड़ी लग जाती तो क्या होता, तुम्हें 2% की तुम्हारी टैक्सी है, मेरी इतनी महंगी गाड़ी है तो तुम तो इसका नुकसान भी ना भर सकते, और बुरी बुरी बातें के, मतलब जो दिल पर जाके इंसान के लगे। तो जो टैक्सी वाला था वो सिर्फ उसने मुस्कुरा कर जो है उसको कहा कि सॉरी, आइंदा नहीं होगा। तो जो पीछे पैसेंजर बैठा था उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा, और उसने कहा कि तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, तुमने डांटा क्यों नहीं, इतनी नाजायज़ बात की है, उसने ब्रेक भी उसने लगाई है। तो उसने आगे से कहा कि इंसान जो है वो एक चलता फिरता डंप ट्रक है। डंप ट्रक क्या होता है? उसके अंदर सारा कूड़ा करकट भरा हुआ होता है, उसके अंदर एंडी है, उसके अंदर जेलसी है, उसके अंदर गुस्सा है, उसके अंदर इंसानी फितरत होते हुए वो माफ़ जल्दी नहीं कर सकता, वो अपने अंदर की सारा गर्द गुबार भरता रहता है। तो होता क्या है कि जब वो इतना ज़्यादा कूड़ा जमा हो जाता है इंसान के अंदर, तो वो ओवरफ्लो करना शुरू हो जाता है, और जो पहली चीज़ उसको नज़र आती है अपने सामने, जो पहला इंसान नज़र आता है, वो अपना कूड़ा जो है उसके अंदर डालने की कोशिश करता है। तो आप एक डंप ट्रक ना बनो। अगर आप उससे वापस लड़ोगे, अपना मूड ख़राब करोगे, गुस्सा करोगे, वही चीज़ जो है, तो आप अपने जो डंप ट्रक है उसके अंदर उसका कूड़ा भरे जा रहे हो, और फिर वो जब आगे जाओगे तो आप किसी और के अंदर डालने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आप स्माइल कर देते हो, माफ़ कर देते हो, जाने देते हो उस बात को, तो आप उसका कूड़ा जो है वो अपने अंदर जमा नहीं कर रहे, आप उसको फैला नहीं रहे, आप आगे नहीं लेकर जा रहे, आप माहौल को आलूदा नहीं कर रहे। तो बड़ी अच्छी सी बात थी, और रोज़ों में स्पेशली आपको इस चीज़ का जो है मुजाहरा करना चाहिए है। अच्छा जी, गेस्ट में आज के अनाउंस करती चलती हूँ। हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको बताएंगे आपके सितारों का हाल इस हफ्ते का। हमारे साथ होंगी डॉक्टर आसमा, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, आपको हम बताएंगे कुछ मेडिकल टिप्स जिससे आपकी जो है रमज़ान में रूटीन बहुत अच्छी हो सकती है, सेहतमंद हो सकती है, और रमज़ान में रोज़ों में क्या टिप्स हम आपको दे सकते हैं जिससे आप हाइड्रेटेड भी रहें और पूरा दिन आपका रोज़ा अच्छा सा गुजर जाए। हमारे साथ होंगे शेफ़ वसीम, जो कि बना रहे हैं मिंट फ्राइड चिकन एंड स्वीट मेलन ड्रिंक। रोज़े में तो खाने का नाम लो ना, मज़ा ही आ जाता है। तो हम आपको स्वीट मेलन ड्रिंक बनाना सिखाएंगे, ड्रिंक्स का सुन के ज़्यादा मुझे जो है ना वो होता है। और हमारे साथ होंगे कमाल सानी साहब, जो कि नात ख्वाह हैं, और यहाँ पे अच्छी सी जो है नात की महफिल भी सजाएंगे। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके साथ है। और
वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग. हमें जॉइन किया मियां नईम साहब ने. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम, कैसे हैं आप? रमजान मुबारक. रमजान मुबारक आपको भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी नेमतें बरकतें आप तक, सुनने वालों तक, सब तक पहुँचे. आमीन आमीन. हर किसी का एक अच्छा सा रमजान जो है वो गुजरे. मैं अपनी छोटी बहन से उस दिन बात कर रही थी तो मुझे कहती है आपने कभी सर्दियों के रोजे देखे. मैंने कहा हाँ बेटा, हमने बड़े अरसे तक देखे हैं, इतने हम जो है ना एग्जैक्टली. तो मैंने कहा बहुत अरसे तक देखे. और फिर मैं उसकी ही बारे में पढ़ रही थी, गर्मियों के रोजे के बारे में, कि कहते हैं कि जो गर्मियों के रोजे की प्यास है ये आपकी जो जजमेंट डे की प्यास होगी उसको मिटाएगी, जो कब्र की प्यास होगी उसको मिटाएगी इसके बदले में. तो ये सोच के थोड़ा हौसला आ जाता है कि ये तो टेम्परेरी है. बिल्कुल सही है ना, जो आगे ता कयामत है. असल में ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन बेसिकली ये जो भूख प्यास ये एहसास है. बिल्कुल. मतलब जजमेंट डे से पहले उन लोगों का जो डिप्राइव्ड है. बिल्कुल. रोजे की असल रूह जो है वो एहसास करवाने की है. Definitely. जो भूख जिनको खाना नहीं मिलता वो उनकी कैफियत कैसी है. और यहाँ आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे अपने पाकिस्तान में जहाँ पानी की शॉर्टेज है. और ऐसी चीजें, तो वो पानी के बिना उनकी जिंदगी कैसी होती है. तो मैं इसी तरह कहता हूँ कि रोजा, हमारा एक ग्रुप है दोस्तों का और बड़ा अच्छा, हम एक वीकली मीटिंग करते हैं. इस दफ़ा हमने इस रमज़ान में ये फैसला किया कि हम अपनी उस मीटिंग को उन जगहों पे जाके करें जहाँ पे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, ओल्ड होम्स हैं, ऐसी यतीम खाने हैं, उन बच्चों के साथ अपने रमज़ान की अफ्तारियाँ करें, जाएँ अफ्तारी लेके जाएँ उनके साथ करें. मैं यहाँ बल्कि ये कहना चाहूँगा कि हम मतलब इबादत तो चलते फिरते हर लम्हे खुदा के लिए अदा किया गया एक लफ्ज़ भी बहुत मानी रखता है, क्योंकि वो तो मतलब अजर देने वाली शख्सियत है. लेकिन असल चीज़ जो है इस महीने में वो एहसास और लोगों के साथ आसानियाँ करना, उनके लिए मोहब्बत बांटना, उनकी दुखों को महसूस करना, और वो खाना पीना ज़रूरियात, ये चीज़ें सारी हैं. तो ये ज़रूर हमें साथ साथ करना चाहिए, क्योंकि हमारा ज़ोर बहुत ज़्यादा होता है इबादत. इबादत बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ एहसास का महीना, मैं इसको नाम देता हूँ एहसास. और एहसास हर रंग में है. बिल्कुल. वो कोई कर्ज ख्वाह है, कोई गरीब है, कोई यतीम है, कोई स्टूडेंट है, किसी जगह लैक करता है. और मैं आपको बताऊँ, इस महीने में ज़कात की अदायगी, ये इकोनॉमिक वर्ल्ड में इतना मज़े का सोशल सिस्टम है कि अगर इसकी प्रॉपर तकसीम हो के जाए तो कोई गरीब नहीं रहता. बिल्कुल ऐसा ही, डेफिनेटली. तो सो हमें एहसास के साथ साथ इस रमज़ान को गुजारना चाहिए. गुजारना है, बिल्कुल. आपने इतनी सही बात की. मैं तो इतने सारे लोगों के असली रूप देख लेती हूँ, तो मैं और मैं सोच रही हूँ शैतान को तो बांधा हुआ है. तो ये मैंने कहा तो ये कैसे हो रहा है, ये जो अभी ये रूप कहाँ से निकल के आ रहा है, और वो भी, और बहाना ये कि मेरा रोज़ है. बिल्कुल सही है. तो मैं तो सबको कहती हूँ याद रखे रोजा आपका अपना है. हाँ, मेरा रोजा आपने नहीं रखा हुआ. नहीं, अच्छा ये बिल्कुल आपने कहा. बल्कि रमजान में जितनी हमें जब्त की, बर्दाश्त की जरूरत होती, उतनी ही बेसब्री और जब्त खत्म हुआ होता है. और उसका एक खास वक्त हमारा जब छुट्टी हो रही होती है, इफ्तारी का टाइम होता है शाम 4 बजे, ये इम्तहान है. असल में हम उसको समझते नहीं है ना. जिस तरह एक दफ़ा आपने सवाल किया था कि नमाज में दिल, मैं कहता हूँ नमाज में दिल इसलिए नहीं लगता कि जब हम नमाज के लिए खड़े होकर जो अल्फाज, जो आयात पढ़ रहे होते हैं, हमें उनके मानी नहीं पता होते. अगर हमें ये पता हो कि हम क्या अल्फाज किसके सामने अदा कर रहे हैं, तो फिर हमें एहसास होगा उन अल्फाज की अहमियत का और उनकी हुरमत का. बिल्कुल. और इसी तरह रोजा भी एहसास का, मैं बार बार कहता हूँ, एहसास, सब्र और जब्त का इम्तहान है. महज फाके का नाम ही, खुदा भी कहता है कि मुझे तुम्हारी भूख नहीं चाहिए, भूख नहीं चाहिए. तो सो ये सब एहसास, ये भी साथ साथ बड़ी अच्छी बात है अगर आप बात करें और लोग सुनते भी हैं, देखते हैं अपने अंदर पैदा करें. तो ये रोजा महज ये कहना कि मुझे बर्दाश्त खत्म है, मुझसे बात ना करो. और फिर दफ्तरों में एक चीज और कि लोग आजकल टाइम शॉर्ट है, सुबह आते हैं जल्दी चले जाते हैं और फिर पूरा वक्त अपना नहीं देता. ये रिज़्क़े हलाल का इम्तहान भी है. बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात. रिज़्क़े हलाल का इम्तहान भी है कि इस महीने आपने सब कुछ करना है. और यही होता है कि मुख्तलिफ दफातर है गवर्नमेंट्स के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मेरा पिछले सालों का एक्सपीरियंस है कि वो 1:15 बजे अगर 2:30 बजे तक का टाइम है तो फिर असर की, जोहर की नमाज के लिए जाके फिर कोई वापस नहीं आता. 10 बजे तक आते नहीं है. तो ये रोजे की रूह के बिल्कुल मुनाफी है. इबादत आपको अपने फराइज से नहीं रोकती. बिल्कुल, ऐसे दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना है ना, यही तो बात, यही दिखाने वाली बात है ना. बिल्कुल ऐसा ही है. हमारे साथ एक कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम सबकी तरफ से.
जी मेरा आज का सवाल जो है कि मैं लाउड पूछ भी लेती हूँ वो ये है कि आप अपना रोजा कैसे गुजारते हैं, आपकी रूटीन क्या होती है रोजे में, ये बताइए मुझे। देखें मैं शहरी में होती हूँ तो शहरी में शहरी करके जैसे नमाज रोजा होता है जो भी कुछ होता है पढ़ रहे हैं कुरान की पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम करते हैं फिर थोड़ा कुछ कुछ और काम करते हैं, फिर रमजान में शहरी की अफ्तारी तैयारी करते हैं पकाने की खाने की इस तरह करते हैं। ठीक, अच्छा घर के जितने भी मर्द हजरात हैं वो हेल्प करते हैं इफ्तारी बनाने में, सहरी बनाने में सुबह? वो अब्बू थे ना तो अब्बू तो कहते हैं लो मैं ये करूँ मैं करूँ, वो कहूँ अल्लाह ने अब्बू को बुला लिया अपने पास, तो भाईजन भी कहते हैं छोटे वाले भाई भी कहते हैं कि लो भी हम ये करते हैं, हम कहते हैं नहीं आप लोग बैठे हम लोग कुछ कर लेंगे। तो देखें तो फिर ये बिगाड़ने में हमारा भी हाथ है ना, हम कुछ करने नहीं देते लेकिन कभी कभी हेल्प करने दिया करें, कोई बात नहीं। भाई लोग है ना ऑफिस जाते हैं इसलिए ना तो वो वहाँ थक जाते हैं तो हम लोग कर लेते हैं, अल्लाह ताला हम लोग को रखे करता हुआ भाजी को हमारे सरों पे रखे हमारे। आमीन आमीन सुबह आमीन, अल्लाह हमें आपको इतनी सेहत दे और आप अच्छी तरह जो है काम करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, हमसे कोई सवाल है आपका? मुझे उनसे शेख वसीम से कोई फरमाइश करनी थी खानी जी, वो हरी मिर्च का कीमा होता है ना एक तो हरी मिर्च डलती है उसमें, उसके अलावा जो काली मिर्च का कीमा बनाते हैं ना वो किस तरह बनाते हैं? ठीक है जी, मैंने आपकी फरमाइश नोट कर ली है, मैं उनसे पूछ लूंगी। ठीक है जी, अच्छा नीम साहब हम सितारे भी जो हैं वो भी उस पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल जी, हाँ जी, पहला स्टार हमारा जो है आज जैसा कि जेमिनी स्टार्ट हो चुका है और जेमिनी की हमने पिछले बात कर ली थी तो आज हम उस पर मुख्तसरन बात करते हैं कि आज थोड़ी सी मतलब एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन थोड़ी हार्ड है ओवरऑल सब सितारों के लिए, और इसमें हम ये देखते हैं कि आपको अपने आप को ना कंटेंटमेंट पे रखना है। एरीज लोगों को, एरीज पहला साइन है हमारा, और नेगोशिएशन के दरवाजे खुले हुए, गुफ्तगू और नेगोशिएशन के दरवाजे खुले हुए, मामलात हो सकता है कि आम लोग दिनों से ज़्यादा तूल पकड़ें किसी चीज़ को भी तय करने के लिए, लेकिन आप अपनी गुफ्तगू का प्रोसेस स्टार्ट रखें और इसको जब उठे तो इस तरह करें कि वो एंड ना हो, क्लोज ना हो, बल्कि वो कंटिन्यू नेक्स्ट मीटिंग तक, तो ये दो चार दिनों में आपके जो जारी मामलात हैं वो सॉर्ट आउट होंगे। टॉरस साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आपने पैसे के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है, उसकी वजह ये है कि सेटर्न पोजीशन कुछ ऐसी बनी होती है कि जहाँ पर हम ऐसे ही एक चमक दमक का शिकार हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां हमें लगता है कि हमें बहुत फ़ायदा होगा और प्रॉपर जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करते, तहकीक भी नहीं करते और सहर ज़्यादा से निकल जाते हैं कि बड़ा फ़ायदा होगा। मैं यहां आपसे करूंगा कि बिल्कुल आपके गिर्द ऐसे मौके होंगे ज़रूर, लेकिन आपका काम यह है कि दो चार समझदार लोगों से उससे मुतल्लिक थोड़ी सी तहकीक कर लें तो अच्छा होगा, एक आध दिन के देर करने से कोई मौका हाथ से फिसलेगा नहीं, बेहतर होगा, इसलिए जरा एहतियात के साथ इन्वेस्टमेंट करना है। थर्ड जेमिनी साइन में देखते हैं तो यहाँ पे इमोशनली आप ब्लॉक चार्ज होते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ गैर महसूस तरीके से अपने इर्द गिर्द के लोगों रिश्तों से तकलीफ का शिकवे का एहसास होता है और आप अपनी एक ख़ास फितरत की वजह से उसको एक्सप्रेस भी नहीं करते, बात भी नहीं करते, अपने अंदर अंदर लेके बैठे लेकिन अंदर भी खुश नहीं है, सैड है और तन्हाई में अपने आप से शाकी हैं। तो दो चीज़ें, या तो आप ऐसी कैफियत तारी ना करें, अगर करते हैं तो जिससे आपका मसला है उसे बात भी करें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं जब तक आप मुंह से नहीं कहेंगे। और सेकंड यह है कि ये कैफियत अगर बढ़ती चली जाएगी तो आपको डिप्रेशन में ले जाएगी, और ये मंथ ऐसा जेमिनाइज के लिए मैं खासकर बात करूंगा, आपने बड़ी एहतियात के साथ काम करना है, अपने आप को डिप्रेशन की स्टेज में जाने से बचाना है, और ख़ासकर रमज़ान का महीना है, इसमें अगर हम रोज़े भी रखते हैं खुराक और पानी और मीठा ऐसी चीज़ है जो हमें एनर्जी देता है, ब्रेन को खास देता है, और जब हमारे मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं तो हमें मीठा खाना चीज़ें ज़रा सी हेल्प करती हैं। इस महीने में अगर हम रोज़े की कैफियत में अपने मूड्स को उस तरीके से लेके जाते हैं बेहतर होने की बजाय वो मज़ीद बिगड़ेगा, तो लिहाजा इस महीने आपने ज़्यादा एहतियात के साथ रमज़ान में काम करना है और शिकवा शिकायत कर लेना है, प्यार मोहब्बत से बेहतर है। वैसे भी ये मोहब्बत महीना जो है जिसे कहते हैं ना कि मामलात को ख़त्म करने का, आगे बढ़ने का, शिकवे शिकायतें दूर करने का, तो इसकी में रब की तरफ से भी बरकत होगी, बशर्ते कि आपकी नीयत मामलात को सुलझाने की हो ना कि उलझाने की हो, इस नीयत के साथ अगर आप। और बात करना बहुत ज़रूरी है डिप्रेशन से बचने के लिए, यू हैव टू टॉक। बिल्कुल, कैंसर साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे
کچھ معاملات آپ کے نامکمل رہیں گے باوجود آپ کی بہت سی کوششوں کے, اور ہوتا یہ کہ اگر کوئی اسائنمنٹ آپ کو ملی ہوئی ہے اور اس کا بروقت پورا ہونا ممکن نہیں ہو رہا, اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کا اپنے ساتھ شامل کیجئے گا. اور اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ نے کسی ٹائم کی کمٹمنٹ کی ہے کہ کسی کوئی پروجیکٹ ہے, کوئی ڈلیوری, کوئی کام, کچھ بھی اگر آپ نے دینا ہے, تو اس کے بارے میں پہلے سے انفارم کر دیں کہ ہم وقت پہ اسے پورا نہیں کریں گے, دیر ہونے کے امکانات ہیں, تاکہ جن کو آپ کے ساتھ معاملات ہیں وہ ذہنی طور پہ تیار رہیں اور آخری لمحے کو شکوان ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بتا دینے سے آپ ریلیکس ہو جائیں. نو, آپ کو اپنا کام جاری رکھنا ہے, احتیاط کی وجہ سے رکھنا ہے تاکہ تعلقات خراب نہ ہوں. کینسر سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایک عجیب سی کیفیت لونلی نیس کی پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اور جہاں پہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تنہا ہیں, غیر محسوس طریقے سے ارد گرد کے لوگوں کو دکھائی دیتا ہے, کبھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان سب کے اپنے اپنے مقاصد ہیں ہماری ذات سے, اس کی وجہ سے شاید ساتھ ہوں لیکن میرے من کو کوئی سمجھتا نہیں, کوئی میرے پرابلم کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, جیسے ہم ہوتے ہیں نا خود سے بات. تو یہ لیو کی سائن, اسد لوگوں کی بھی یہی سائن ہے. اچھا, اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ زیادہ آئے گا, کوئی بات کرے گا آپ کی بات سے پہلے ایک ججمنٹل ہو کے اپنی کوئی رائے دے دیں گے, جس سے مزید مسائل بڑھیں گے. تو لہٰذا اصل میں دیکھیں کہ آپ کا پرابلم کیا ہے, کیا کہیں کسی کے ساتھ کوئی رنجش, کوئی شکوا ہے دل میں ہے اور اس کا اثر سب تک نکل رہا ہے. تو باقی لوگوں کو بچائیں اور اس حد تک کریں, یا اس کو معاف کریں یا اس موضوع کو چھوڑ دیں, تاکہ آپ کے بزنس, گھر, آفس کی زندگی, باقی لوگ اسے متاثر نہ ہوں. بالکل. یہاں پر میں ایک سوال بھی جو آپ سے پوچھوں گی, جو ہمیں ناہیدہ نے پشاور سے پوچھا. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 2 June 1988. جی. ان کی انگیجمنٹ ہوئی ہے 2 سالوں سے. لڑکے والے شادی کی بات کرنے پر ٹال دیتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے جیمنائی کی جیسے بات کی, جیمنائی کا ایک پیریڈ ایسا ڈیفیکلٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ اس کو فورس نہ کریں. اگر جلدی کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بجائے منگنی چلنے کے وہ اس پہ فیڈ اپ ہو جائیں اور اسے توڑنے کی کوشش کریں. بیسیکلی جیمنائی کا یہ رشتے کا, شادی کا وقت ہی نہیں ہے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے بھی بات کی تھی, ابھی اسی لیے میں نے جیمنائی کے اوپر بھی زیادہ ڈیٹیل پہ بات کی ہے کہ وہ رنجش, کیفیت, فرسٹریشن, اریٹیشن آئی ہوئی ہے, وہ سیم سوال سے بھی آپ کے وہی شو ہو رہا ہے. ویسے میرا مشورہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ ان کا جو پلان ہے ابھی نیئر فیوچر میں مجھے دکھائی نہیں دیتا, یہ اس سال اینڈ میں دسمبر کے قریب جا کے شادی کی بات بنتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر نومبر دسمبر میں کوئی ڈیٹ طے ہوتی ہے تو نیکسٹ 2018 فروری تک ہو. اس لیے اس کو ذہنی طور پہ آپ نے تیار رہنا, تیار رکھنا, اور پلیز مطمئن رہیں جتنا آپ کسی چیز کو پش کرتے ہیں بالکل اتنا وہ چیز جو ہے خراب ہو جاتی ہے. چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آپ سارے مہکتی مارننگ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پہ نعت خواں کمال ثانی صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ویسے بھی بات کر سکتے ہیں, آپ نے جو ہے نعت جو ہے وہ مائک میں. جی ٹھیک ہے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. رمضان مبارک. خیر مبارک آپ کو بھی. بہت بہت میں نے کہا یہاں رمضان ہے اور اس طرح کی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ ہو تو کیسے محفل سج سکتی ہے. تو آپ کو پلیز میں ریکویسٹ کروں گی اگر آپ کچھ سنا دیں. یہ نعت ہے میرے استاد محترم سید الطاف کاظمی صاحب نے اس کو لکھا ہے, اس کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی.
एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। और उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने, उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने, के खुल्द में बसे वही जा सकता है, के जिसको हसन ने के बाबा की इजाजत होगी, खुल्द में बसे वही जा सकता है, जिसको हसन ने के बाबा की इजाजत होगी। और कहीं यासीन कहीं ताहा कहीं वल्ले लाया, कहीं यासी कहीं ताहा कहीं वल्ले लाया, अरे जिसकी कसमें मेरा रब खाता है, कितनी दिल का मेरे महबूब की सूरत होगी, जिसकी कसमें मेरा रब खाता है, कितनी दिल कश मेरे महबूब की सूरत होगी। और मेरा दामन मेरा दामन तो गुनाहों से भरा है अल्ता, मेरा दामन तो गुनाहों से भरा है अल्ता, पर एक सहारा नस्बत से सरे हश रे शफात होगी, एक सहारा है कि मैं उनका हूँ, इस नस्बत से सरे हश रे शफात होगी, नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत 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 बहुत। और नात की कैफियत से भी बाहर आना बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत खूब आपने पढ़ी। मैं अपना एक्सपीरियंस ये बताऊं कि मुझे हज पे अल्हम्दुलिल्लाह जाने का इत्तेफाक हुआ, और उसके बाद हम मदीना मुनव्वरा जब गए तो मदीना के बारे में कहा जाता है कि उसकी कैफियत और फ़िज़ाओं में और मक्का की फ़िज़ाओं में फ़र्क है, वहाँ मोहब्बत, ठंडक और एक दोस्ती का एहसास होता है।
अच्छा, और ये बुजुर्गों से सुनी हुई बातें थी, और इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ जाके यही एहसास होता है। अच्छा, और आप यकीन करें कि मैं कभी फजर के वक्त जाता था और वहाँ से उठता था तो एक पिलर के साथ लग के खामोश बैठ जाता था, और यूं लगता था कि दुनिया में कोई गम कोई चीज़ नहीं है, मैं तन्हा हूँ, हर तरफ खामोशी और सुकून है। तो अब जब ये कह रहे थे, मैंने भी आंखें बंद कर दोबारा अपने आप को वहाँ प्लेस किया और वही सुकून और कैफियत महसूस की। बिलाशुबा तो ये नात एक ऐसी चीज़ है और जिक्र महबूब जो हमें वहाँ तक ले जाता है, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला ये खूबसूरत मौका हर किस्म को नसीब करे। मैं तो दुआ ही करती हूँ, कहते हैं लोग पूरी जिंदगी जो है रिसोर्सेज जमा करने में, बल्कि लोगों के पास पैसे पड़े रहते हैं लेकिन जब तक बुलावा नहीं आता लोग नहीं जा सकते, और कैसे कैसे रास्ता बन जाता है लोगों के लिए कि कुछ भी नहीं होता और वो चले जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला ये हर किसी को नसीब करे मौका कि वो वहाँ जाए। और मैंने सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं मेरे लिए अभी तक, क्योंकि मैं खुद गई नहीं हूं, चुकी से गुजर चुका हूं, बिल्कुल इस कैफियत को मैं दिल और ज्यादा ललचाता है ना कि कब हम भी जाएं, कब हम भी देखेंगे। कहते हैं वहां जाकर जब वो पहला नजारा आप देखते हैं, खुदा का घर देखते हैं, तो वो आप बयां ही नहीं कर सकते कि वो जो कैफियत उस वक्त आपके ऊपर उतारी होती है। अल्लाह ताला हर किसी को नसीब करे, मेरी तो यही दुआ है, आप मेरे लिए दुआ किया करें, मेरी अम्मा के लिए दुआ किया कर हम भी जो है जा सके। अच्छा जी, सवाल मैं पूछना चाहूंगी, रुखसाना सरगोदा से पूछ रही है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1992। मैं अक्सर बीमार रहती हूँ और चीजों पर फोकस नहीं कर पाती, पढ़ाई में भी बिल्कुल दिल नहीं लगता, मैं क्या करूँ? इनका साइन एरीज है, एरीज में इनका मार्स एंटी क्लॉकवाइज होता है, मार्स जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आते, तवज्जो फोकस ना करना उसकी वजह से होता है। एक चीज़ ये भी है, दूसरी चीज़ इन्होंने मेंशन नहीं की कि इनके मिजाज में गुस्से का फैक्टर भी बहुत है, छोटी छोटी चीज़ जब भी करते हैं उसकी वजह से हाईली सेंसिटिव है, हसास है, गुस्सा ज़्यादा आता है। अच्छा, बीमारी का ताल्लुक भी कोई फिजिकल बीमारी से नहीं है, इसका होता यह है कि एक एहसास इस तरह का होता है कि जिसमें इन्हें पता चलता है कि एनर्जी नहीं है, जिसमें मार्स से रिलेटेड होता है, एनर्जी नहीं है। अच्छा, इसकी बेहतरीन वो फिर वही बात करूँगा, जहाँ गजा हमारे जिस्म को तवानाई देती है वहाँ पे नर्व्स और एहसाब को सुकून देने के लिए बेहतरीन इबादत खामोशी के साथ नमाज पढ़ना, कोई इबादत करना, उसमें काम डाउन करना अपने आप को और अपने मकासद के ऊपर कंसंट्रेट करना और दुआ करना। इस रमज़ान में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अगर इस प्रैक्टिस को ले कर चलेंगी, कोई एक वक्त अपना महसूस करें, फजर का, अशा का, कोई भी, जब ये उसमें जाएं और जाने के बाद 10 मिनट खामोशी के साथ बैठें, कंसंट्रेट करें और ये महसूस करें कि इनकी बीमारियां और इनकी चीज़ें इन तक नहीं पहुंच रही, वो सिर्फ एक तसव्वुराती सी फीलिंग है और इनके अंदर एक एनर्जी आ रही है, यकीन करें कि ये इस 30 दिन के मामलात में इनकी ये एहसास से बीमारी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं रहेगा, बिल्कुल मेडिटेशन और क्या है, जब उससे आप सारी नेगेटिव एनर्जी ही अपनी पूरी ऑर्गेनाइज करना, चैनलाइज करना हमें अपने सारी एनर्जी को, तो इसमें खाना पीना खुराक के साथ साथ अपने आप को काम डाउन करें, पुरसुकून करें, फोकस्ड करें अपने चीज़ों के ऊपर, और ये तय करें कि मैंने ये करना ही करना है। अगर पढ़ना है तो मैंने 3 घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, छोड़ना है फिर बैठना है, छोड़ना है फिर बैठना है, ये जो चिल्ला मैं से कहूँगा, बिल्कुल ये चंद दिन का चिल्ला अगर आप करेंगे तो ये मसाइल सारे इनके इसी महीने में ठीक हो जाएंगे, इसी में ठीक हो जाएंगे। चले जी, ये कीजिए और इंशाल्लाह आपकी कंसंट्रेशन जो है बेहतर होगी। बिल्कुल, और थोड़ी सी जो है ना, वो अपने ऊपर फिजिकली बीमार होते भी हैं और वो तारी भी कर लेते हैं, तारी मत कीजिए, तारी ना करना उसे निकल, और इवन बीमारी अगर है भी जब हम उसके एहसास को भी करते हैं कि नहीं है तो उसके असरात भी कम होना शुरू होते हैं। हमारे जिसमें अल्लाह ताला ने बड़ी कुव्वत दी है, हम अपने अंदर हर एहसास को, हर कमी को, हर खूबी को पैदा भी कर सकते हैं और खराबियों को खत्म भी कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू। और रमजान में तो पाकीज़गी और रूहानियत आ गई, और इसमें अल्लाह आपको खुश रखे और इस तरह रौनक बखेरते रहे आप। आमीन आमीन आमीन, अल्लाह ताला आपको भी बहुत खुश रखे। शुक्रिया जी। मेरा जो सवाल है आज, वो बताएंगे कि रमजान में क्या रूटीन होती है, दिन कैसे गुजरता है? दिन हम तो रात में जागते हैं, दिन में थोड़ा सा आराम भी करते हैं, अफ्तारी की तैयारी करते हैं और अल्लाह को याद करते हैं, कोशिश यही होती है ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है बस इस तरह ही गुजरे। दुनिया के काम तो आपको पता सारी पूरा साल करते ही हैं। बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा ही है। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी रूटीन है कि इबादत हो रही है और खाने पीने की तैयारी भी हो रही है और साथ साथ रात को तो जागना पड़ता है क्योंकि सहरी इतना टाइम बहुत कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, हमसे कोई सवाल है आपका? बस वो मुझे मियां नईम साहब से बात करनी। पूछिए जी, पूछिए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एक तो मुझे ये कि आपका अपना कोई पर्सनल नंबर हो तो हमें जरूर बताइएगा।
जिसे हम वैसे आपसे रब्ता करने, ठीक है, आपको बता देंगे, आप अभी भी सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी, अभी ये है कि मेरी भांजी है तो उसका, उसके बारे में मुझे पता करना था। जी जी, उसकी तारीख पैदाइश बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त जी 1987। ठीक है, तो इसकी शादी और फ्यूचर के बारे में जरा पता। जी बिल्कुल। अच्छा, इनकी कहीं कोई बात हुई थी जो नहीं हुई और खत्म हुई कुछ तरह का? वो बस कुछ चली थी बात, फिर वो मुकम्मल नहीं हो सकी। ठीक हो गया, मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, ऐसा है इनका कि ये इस साल तकरीबन अगस्त तक स्टिल चीज़ें इनकी ब्लॉक ही हैं, और इसमें अल्लाह ताला की बेहतरी भी है, ठीक है, क्योंकि ये तकरीबन 2009 से टाइम टू टाइम चीज़ें बनती हैं, रुकती हैं, ख़त्म होती हैं, और ये नहीं होना था, इसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी। इस साल अगस्त के बाद इनका शादी का मामला स्टार्ट होंगे और वो इंशाल्लाह बेहतर और अच्छा टाइम होगा। इससे पहले बिल्कुल सोचें ना, और जब दिल में ख्याल है तो यही दुआ करें कि या अल्लाह इसके नसीब में जो भी है बेहतर से बेहतर हो, और अल्लाह ताला वो वक्त ले के आएगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे आप। कभी कभी जल्दबाजी के रिश्ते जो होते हैं ना, वो फिर आगे जाके मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा जी, हम सितारे कंटिन्यू करते हैं। जी बिल्कुल जी, हमारा नेक्स्ट, हमने लियो तक की बात की थी, वर्गो पे बात करते हैं। वर्गो पे जब देखते हैं, ओवरऑल एक मुश्किल और टफ टाइम है, क्योंकि मुख्तलिफ सितारों की आपस में ग्रिप बनी हुई है। ये वो वक्त होता है जहाँ अपने काबिलियत का बेहतरीन इजहार करना होता है और दिखाना होता है कि हम कितने समझदार, सेंसिबल या कुत बर्दाश्त रखते हैं, क्योंकि हर तरफ से खिंचाव भी होगा, सारा कुछ आपके ऊपर दबाव रहेगा। लेकिन एक मामला अच्छा है वर्गोस के लिए, माली मामला। ऐसे पैसे जो बरसे से डूब चुके थे, कर्ज दिया वापस नहीं मिल रहा, या कोई और ऐसे मामला थे जहाँ से आपको पैसे की उम्मीद है, बैंक लोन व्हाटएवर, कोई फाइनेंशियल फैसिलिटी, तो उसको ऊपर काम करने का अच्छा वक्त है। इसका मस्बत वक्त मिलेगा और पैसे रकम आपकी रिकवर होती भी दिखाई देती है। लीगल मामला में आपको एहतियात करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, कोई ऐसी चीज़ करें, कोई लीज आउट करें, कोई घर किराए पर दें लें, कुछ भी ऐसा करें तो लिखत पढ़त में एहतियात कीजिएगा, उसे पढ़ लें। और ऐसे लोग जो ऐसी पोजीशन में बैठे हुए ऑफिसेज में, जिनको कोई माली मामलात में सेंक्शन देना है, कुछ करना है, तो वो भी जो फाइल अप्रूव करने से पहले फाइनल नोट को पढ़ें ज़रूर, और फिर उसके ऊपर साइन कीजिएगा। ये थोड़ा सा एहतियात का टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट साइन हम लिब्रा साइन में जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपके इर्द गिर्द माशाल्लाह काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और बल्कि यूँ दिखाई देता है जैसे स्टूडेंट हैं तो अपने लिए एक नया सबक चूज़ करें, नया सब्जेक्ट चूज़ करें, और बिज़नेस के लिए नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ मैं ये बता दूँ कि वक्त अच्छा है, आप कुछ भी चूज़ करें, लेकिन अगर ऐसी फील्ड आपको सामने आ रही है जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि उस फील्ड से एक्सपर्ट कुछ लोगों को एज ए कंसल्टेंट या पार्टनर के तौर पर अपने साथ शामिल करें, बेशक शॉर्ट टर्म करें, तो आपको इसमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सही, अगले स्टार पे हम जाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको बाकी सितारे भी बताते हैं। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आसमान जो मेरे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। रोज़ा कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, प्रैक्टिस कैसे होती है रमज़ान में, तो किस तरह के पेशेंट्स आते हैं ज़्यादा? अच्छा, अगर स्पेसिफिकली जो है वो रमज़ान को देखा जाए, तो कल तो ज़्यादातर वही पेशेंट्स थे जिनका जो है वो ब्लड प्रेशर लो था, या वो हाइपोग्लाइसेमिक थे। अच्छा। बस या लेथार्जिक थे, मतलब हर जो है ना वो सिकंड पेशेंट जो है वो इसी के साथ आ रहा था। एक या दो पेशेंट थे जो जेन्युइन बीमार थे। अच्छा। बाकी सब जो है वो रमज़ान के जो साइड इफेक्ट थे। देखिए ये कितनी ज़रूरी बात है, क्योंकि रोज़ा तो हमने सोच लिया कि हमने रखना है, हमारी नानियाँ दादियाँ जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया है आपको शुगर है आप नहीं रख सकती, आपके बीपी का प्रॉब्लम आप नहीं रख सकती, वो कहती हैं नहीं अल्लाह मियां संभाल लेंगे, रोजा तो मैंने रखना ही रखना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका आपको पता नहीं, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, इसके ऊपर हम जो है बात करेंगे। इससे पहले मैं चाहूंगी कि हम सितारे जो हैं वो सारे आप करें ताकि वो रहना चाहे। स्कॉर्पियो साइन में हम बात करेंगे तो यहाँ पे अखराजात में थोड़ी सी शिद्दत होती हुई दिखाई देती है, और उसी के साथ साथ यूँ दिखाई देता है कि जैसे मेरी ज़ात का कोई किसी को कोई फ़ायदा नहीं, या मैं किसी के लिए यूज़फुल नहीं हूँ। ये दो चीज़ें साथ साथ है, शायद उसको लेने के लिए आप अखराजात ज़्यादा करते हैं, गिफ्ट तोहफ़ ये भेजना करना सारा अपनी तरफ मतवजो करना, लेकिन होता यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ज़रिए किसी को दें,
کریں, دیکھیں یہ کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی شکوہ یا کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ سے احتیاط کر رہے ہیں یا آپ سے بات کرنے میں تھوڑا محتاط ہیں کہ آپ کا رویہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو تعلقات میں پرابلم کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, خرچ میں احتیاط کرنا آپ دیکھیے گا. اور دوسری بات ہے کہ لوگوں کی باتوں کو آپ سنیں, اسمائل کریں, ریئیکشن نہ کیجیے گا. دو تین دن آپ کے لیے بڑے کریٹیکل ہیں. نائنتھ سائن ہمارا سیجیٹیریس, یہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس بہترین کوالٹیز ہیں, لیکن کبھی کبھی ایک بلاک پیریڈ آتا ہے جس کو آپ شو نہیں کر سکتے. جیسے آفسز میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ نے میٹنگ کرنی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن بات کرتے ہوئے رک جائیں گے, فلو آف آئیڈیاز آپ کا نہیں ہوگا, الفاظ میں آپ کے ٹھہراؤ آ جائے گا, رکاوٹ بنیں گی. تو یہ اس طرح کی کیفیت ہے. لہٰذا بہتر ہے کہ اگر آج کل بدھ کی شام تک کوئی ایسی پریزنٹیشن یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو پہلے ریہرس کیجیے گا, بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے. اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے کوئی ایگزام یا کوئی ایسی چیز ہے تو بول کے, بات کر کے وہ بھی اس چیز کی پریکٹس کیجیے گا تاکہ آپ کا فلو کا ایک پروسیس بن جائے. اور ہر چیز کو لکھنے کی کوشش کیجیے گا, لکھیں گے تو ڈبل پریکٹس ہوگی آپ کے لیے آسانی, ویژول اور آڈیو دونوں آپ کو ہیلپ کریں گی دونوں معاملات میں. کیپریکین سائن جب اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ٹو ایمبیشیس, یہاں پہ بہت زیادہ خواہشات بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑے وقت میں آپ زیادہ کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور زیادہ انکم بھی جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, آپ کے اندر انرجی بھی ہے, آپ انتھک محنت بھی کر سکتے ہیں, کام بھی کر سکتے ہیں, لیکن انسانی کیپیسٹی ہے. اور پھر ہم بات کریں گے, اتفاق سے بات کرتے تو رمضان آ جاتا ہے. روزوں میں آپ تو جاگ سکتے ہیں لیکن شاید باقی لوگ آپ کے ساتھ اتنا ٹائم نہ دے سکیں, اس کی وجہ سے پھر آپ کے کاموں میں تھوڑی سی رکاوٹ یا ڈیلے آ سکتی ہے. نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ آپ کے پھر ریلیشن شپ افیکٹ کریں گے, تعلقات کر, اگر سبارڈینیٹس آپ کے ہیں تو آپ کو ان سے شکوا ہوگا کہ میں یہ کام کرتا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. لہٰذا اپنی سپیڈ کو تھوڑا سا سلو کیجئے, دو چار دن ان کی پیس کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر ٹاسک یا ٹارگٹ دیجئے اور پھر آپ کا وہ اچیو ہوگا. ایکویری سائن میں جب سیکنڈ لاسٹ ہم سائن دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بڑے چوزی سا موڈ ہوا ہوا ہے, اکیلے سے رہنے کو دل چاہ رہا ہے, کسی سے بات کرنے کو نہیں چاہتا, پرانی میموریز اور وہ یاد آ رہی ہیں آپ کو, اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے اعصاب پہ بہت زیادہ دباؤ ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, مارس پوزیشن ایسی ہے. تھوڑا سا ریسٹ کرنا, کوئی اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرنا, کوئی ایسی لوگوں میں بیٹھنا جہاں پہ نان پروفیشنل گفتگو ہو, یعنی ایسی گفتگو جس میں ذمہ داری کا احساس نہ ہو. آفس میں بیٹھیں گے, آفس کے پرابلم ڈسکشن آئیں گی تو وہاں ہم ریلیکس نہیں ہوتے. اس سے ہٹ کے دوستوں کی محفل میں بیٹھنا, بات کرنا, بچوں سے ملنا, پرانے دوستوں سے بات کرنا, یہ آپ کے لیے دو تین دن کا ایک سائیکل اچھا ہوگا. اور ویسے نہیں تو چلیں افطاری پہ بلا لیجیے گا, آج کل تو ویسے بہانا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی بالکل, تو اس سے بھی آپ کھائیں گے کھلائیں گے تو اپنے اس موڈ سے باہر آ جائیں گے. لاسٹ سائن جب ہم دیکھتے ہیں تو پائسیز سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں, ورک لوڈ بہت زیادہ آپ کے اوپر محسوس ہوتا ہے کیونکہ ورگو, جیمنائی, سیجیٹیریس اور یہ آپ کا سائن پیسز کا, یہ چاروں میں اکثر بتاتا ہوں ٹائم ٹو ٹائم بلاک ہیں. اور جب سرٹن پوزیشن ڈیفیکلٹ ہوتی تو آپ بھی آج اس کا شکار ہیں. تو لہٰذا تھوڑا سا اپنے کام کو ڈیوائڈ کیجیے گا. کبھی کبھی ہم پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں, ہمیں دوسروں کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. یہ چیز آپ کے اوپر بن جاتی ہے مصیبت, بوجھ لے لیتے ہیں, اور بوجھ لینے کی وجہ سے پھر آپ اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں, ڈیفیکلٹ بھی ہوتے ہیں, ٹائملی چیزیں نہیں ہو پاتی. لہٰذا کچھ کاموں کو اپنے ارد گرد لوگوں میں تقسیم کریں, سپروائز کریں, اور میجر پورشن جہاں فنشنگ ٹچ ہے وہ اس کو خود دیکھیے گا, پھر آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. انشاءاللہ. ہمارے ساتھ کالر بھی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسی ہیں پیاری سی سندر؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو. میرا جو سوال ہے اس کا تو پہلے بتائیں نا, جب آپ کی روٹین کیسی ہے رمضان میں؟ پہلے میں میاں نعیم صاحب سے بات کر لوں. پہلے میاں نعیم صاحب سے بات کرنی ہے. چلے جی, آپ کو ڈائریکٹ کال نہ رک جائے. جی جی. اچھا میاں نعیم صاحب, میں نے آپ سے پوچھنا ہے اپنے بھائی کی شادی کے بارے میں. ان کی تاریخ پیدائش بتائیے. 24 ستمبر. جی اچھا, خیر پورا نہیں میں بتا سکی. 24 ستمبر ورگو اور اس کا لبرا کا کسپ ہے. اچھا, شادی سے متعلق ان کا یوں دکھائی دیتا ہے کہ چونکہ ڈومینیٹنگ ورگو ہوتا ہے اور لبرا سٹارٹ ہو رہا ہے, تو بھائی کی شادی کا وقت آپ کا بنا ہوا ہے
یعنی انگیجمنٹ کا ان ساری چیزوں کا شادی کا نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے 2015-16 میں اگر کوئی ہوا بھی یہ ٹوٹا ہو پھر دوبارہ کہیں ہوا یہ چلے گا, لیکن اس سال نومبر کے قریب ان کا میرج ٹائم ہے, اس سے پہلے نہیں ہے, نہیں بنے گا. تو تھوڑی تسلی رکھیے, انشاءاللہ ہو جائے گی شادی. پریشانی میں یار جاننا میرے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ مطلب انسان تھوڑا ڈانٹنے والا جواب دیکھے, اتنی سی عمر میں بھی سے ٹینشن ہوگی, یا تسلی والا جواب ہے کہ کوئی بات نہیں بھائی, یہ اللہ میاں کے کام ہے, اس پہ تھوڑا سا جو ہے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا کریں اور وہ سب سے بہتر جوڑیاں بناتا ہے. اور اپنے ٹائم پہ جو شادی ہوگی وہ بہت اچھی رہے گی انشاءاللہ. اچھا, اب ہم سب کے لیے ڈاکٹر صاحبہ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ سب سے پہلا سوال جو میرا یہ ہے وہ ہے کہ گرمیوں کے روز ہیں تو اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ کیسے رکھنا ہے اس میں. اچھا, یہی میں اسی کی طرف آنا چاہ رہی تھی کیونکہ کل جتنے بھی میں نے آپ ایز آئی ہیو آلریڈی مینشن کہ جتنے بھی کیسز تھے وہ سارے ڈی ہائیڈریشن کے ہی تھے. تو اس میں یہ ہے کہ میں یہ نہیں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ جو ہیں وہ لارج کوانٹیٹیز آف واٹر ایٹ ونس پی لیں. ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ صبح سحری میں بھی پہلے پانی پینا شروع کر دیتے ہیں, لائک اے بلون, اس کو واٹر سے بھر لیتے ہیں اپنے اسٹمک کو, پھر تھوڑا سا پورشن رہ جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے, اور پھر بعد میں بھی ہم ایٹ دا اینڈ تک پانی ہی پیتے رہتے ہیں جب تک ہمیں سانس آنا بند نہیں ہو جاتا. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر افطاری میں بھی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پانی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں نا, یہ نیچرل ہے کہ مطلب باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے تو وہ تھرسٹ کی وجہ سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ پانی پیے, لیکن اس کا سب سے بیسٹ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ افطاری کریں تو آپ افطاری میں 2 گلاس پانی لیں, اور اس کے بعد جو بھی آپ کا افطاری ہے ماڈریشن کے ساتھ آپ وہ افطاری کریں, اور اس کے بعد ہر گھنٹے کے بعد 1 گلاس پانی پینا ہے. ایون کہ جب تک آپ سو رہے ہیں تو آپ نے ٹوٹل 6 گلاس واٹر انٹیک کر لیے ہوں گے, اور صبح پھر مارننگ میں سحری میں بھی اگر آپ صرف 2 گلاس پانی بھی پی لیں گے تو وہ 8 ہو جائیں گے, اور دیٹ از مور دین انف, کافی ہوں گے آپ کی باڈی کو ڈی ہائیڈریشن کے بچانے کے لیے, پرووائڈیڈ کہ آپ جو ہے وہ صبح جو ہے وہ سورج کے بالکل جا کے سامنے نہیں کھڑے ہو جائیں گے اور سویٹنگ سے اور باقی ساروں سے آپ لیتھارجی کو اور اپنے موئسچر کو لاس نہیں کر دیں. نہیں کرے, تو یہ ہے ٹھیک. اچھا, ایک اور چیز, مطلب جن لوگوں کا آفس کے اندر کام ہے یا زیادہ تر آپ کا دن گھر میں گزرتا ہے, چولہے کے سامنے بھی بہت ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ اگر آپ نے چولہے کے سامنے ٹائم گزارنا ہے, اور خواتین کا تو اسپیشلی افطاری سے پہلے کے جو 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں کچن میں ہی گزرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو کیا وہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کی باڈی جو ہے وہ ریٹین کر سکے. ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ایک تو ایگزاسٹ کا یوز کریں اپنے کچن کے اندر ضرور, دوسرا یہ ہے کہ آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں, اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ روزہ صرف کھانے کے لیے نہیں ہے, اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ چولہے کے آگے جو ہے وہ آپ کی خاتون خانہ, آپ کی ماں, آپ کی بہن, آپ کی بیوی کھڑی ہو جائیں اور وہ گدھوں کی طرح صرف کھانا پکاتی رہے. اور اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں تو ہماری کمیونٹی میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ ہم لوگ فرائیڈ چیزیں بہت پریفر کرتے ہیں, اسپیشلی ان رمضان یہ بہت ڈینجرس چیزیں. بالکل ٹھیک, آپ اس طرح کہہ رہی ہیں, بجائے اس کے کہ آپ پکوڑے سموسے لیں ان کو ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں, کیونکہ آج کل گرمیوں کے سیزن ہے, یہ آپ کے اسٹمک کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے, اور جس بندے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے یہ سب کرنا ہے اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ ورسٹ ہو جاتا ہے نا. پھر تو آپ جو ہے نا اس کی بجائے جو ہے وہ بیکڈ چیزوں کی طرف جائیں, جیسے کہ گرلڈ چکن ہو گیا تھوڑا, یا بیکڈ سموسا, وہ بھی میں کہوں گی کہ بس نہیں, وہ تو ہے نا کہ مطلب ہفتے میں اگر آپ نے لینا بھی, آپ کو بہت کریونگ ہے فرائیڈ چیزوں کی, تب یہ لیں, ورنہ فروٹ لیں, ویجیٹیبلس لیں, کنجمین والا شربت لیں, اور اپنا جو ریگولر میل ہوتا ہے وہ لیں, اور اس طرح کی چیزیں لیں جس سے آپ کی باڈی ہائیڈریٹڈ بھی رہے, اس کو منرلس بھی ملیں, بجائے اس کے کہ آپ فیٹ جو ہیں وہ اس طرح کی آئلی چیزوں سے کھا کھا کے اپنی آرٹریز کو اور اپنے ایڈیپوز ٹیشو کو جو ہے وہ فل کریں, اور ایڈورٹائزنگ جو یہ آئل والی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں ان کے کوفرز کو جو ہیں وہ فل اپ کریں, اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی باڈی کو جو ہے وہ سکون میں رکھیں اور کھانے پینے پہ کم توجہ دیں توجہ, لیکن اس طرح فضول نہ دیں کہ بس ہر وقت کام ہی ہے کہ بس اب کھانا کیا سحری میں کیا کھانا ہے, اور سحری کے بعد یہ ہو جائے کہ افطاری میں کیا جو ہے وہ فرائی کرنا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ رمضان میں ہم لوگوں کا بہت لمبا روزہ ہوتا ہے پاکستان میں, 16 آورز کا 16 گھنٹے جہاں پر ہم لوگ کچھ کھاتے نہیں ہیں وہاں پہ ہم سب سے زیادہ ویٹ گین رمضان میں کرتے ہیں, تو کتنی عجیب سی بات ہے. اس کا مطلب کہ جو ہم تھوڑے سے ٹائم پہ کھانا کھا رہے ہیں وہ اتنا انہیلدی کھا رہے ہیں کہ وہ ہمیں پورا دن جو پیٹ ہمارا خالی ہے اس کی بھی کسر پوری کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ واقعی شام کو کیا کھا رہے ہیں, اور یہ بات انہوں نے بھی کی اور میں بھی کہوں گی, اور مجھے کیونکہ خود جو ہے اس ایج میں آ گئے ہیں جہاں پہ کچن میں جانا پڑتا ہے صبح شام کو, تو اب واقعی بڑی قدر ہوتی ہے کہ جو اما جی
तीन घंटे पहले खड़ी हो जाती है ना, जो तुम्हारे भाई को पकोड़े पसंद है, इसको आलू वाले पसंद है, उसको मिर्चों वाले पसंद है, उसको साग वाले पसंद है, तो वो अलग अलग सारी जो है चीज़ें पूरी हो रही हैं। और मजाल है कि कोई घर का जो फर्द है, जो मर्द हजरात है, वो अंदर आके कहेंगे मैं पकोड़े बना देता हूँ या मैं ये कर देता हूँ, वो वेट कर रहे होते हैं। तो ये मत कीजिए। अच्छा, वैसे मैं यहाँ कहूँ, अगर मर्द हजरात हेल्प भी करना चाहते हो तो खवातीन निकाल देती है कि जितना गंद आप डालेंगे ना किचन में, उससे बेहतर आप ना करें। ये बिल्कुल, ये बिल्कुल ये है, हम थोड़ी नहीं, हम इस बात पर भी गिलती हैं। और फिर क्या करें, खवातीन के अंदर ना वो ममता बहुत ज्यादा होती है, एहसास बहुत होता है। तो जिस तरह वो भी हमें कॉल आई थी कॉलर की, तो कहती है पूरा दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस में होते हैं, हालांकि उनके ऑफिस आवर्स कम हो जाते हैं, तो पूरा दिन नहीं होते। और पता नहीं खवातीनों, क्या कहूँ मैं, घर के काम को काम क्यों नहीं समझती हैं आप, काम 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 है। चलो फ्रूट चाट ही बनवा लिया करें उनसे, थोड़ा सा। अगर आप अपने बेटों को रेज नहीं करेंगे, ये बात एक नॉर्मल दिखा के, ठीक है कि बेटा आपने भी अपनी बहन के, अगर मैं बहन को आवाज लग जाती है इफ्तारी का टाइम हो रहा है चलो किचन में, भाई को कभी भी नहीं कहते। तो अगर आप अपने बेटों को ऐसे रेज नहीं करेंगे तो उन्हें कभी लगेगा ही नहीं कि उनकी शायद ये जिम्मेदारी है या उन्हें भी किचन। मर्द हजरात मेरे साथ एग्री करते हैं, तो मतलब उनको अंदर भी जो है ना ये सासा पैदा करें, ताकि आगे जाके फिर मिल बांट के काम करने वाली जो है वो बात है ये। अच्छा जी, एक सवाल जो है हमसे पूछा गया है, जिसके बारे में मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है, कि कैंसर कॉजिंग चीजें जो होती है उससे प्रिवेंट करता है रोजा या जो है फास्टिंग जो होती है, तो ये सच है बात? सुंदर, रोजा जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, उससे ना सिर्फ ये कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है बल्कि आपकी रूह भी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। मतलब आप 12 महीने खाते रहते हैं तो बिल्कुल एक महीना जो है वो आप स्टमक को रिलीफ देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं देते, हम तो उसको बल्कि अफतारी और सहरी में इतना ओवर फ्लो कर देते हैं उस बेचारे, वो कह रहा होता है कि कब रोजे खत्म हो तो कब मेरी जान जो है छूटेगी। ये बिल्कुल ठीक है, रोजा हमें बहुत सी चीज़ों से बचाता है, क्योंकि देखें जब रोजा हम रख लेते हैं और हमने बड़ी हेल्दी सहरी ली है, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लिए सहरी में, तो 8 घंटे के बाद हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर शुगर ख़त्म हो जाएगी, इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देगी, तो फिर जो मसल में और लिवर के अंदर ग्लूकोज है वो फिर यूज़ होना शुरू होगा, और फिर उसके बाद जब ग्लूकोज भी ख़त्म हो जाएगा तो फैट्स यूज़ होना शुरू होंगी, और फैट जो है यू नो शुगर एंड फैट इज़ मदर ऑफ ऑल इवल्स, जब ये आपकी बॉडी में से बर्न हो जाएंगी तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी, वेट आप लूज़ कर देंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हम सुबह में भी पराठे खाते हैं, हमारा ये ख्याल होता है कि ये स्लो रिलीज ऑफ एनर्जी होगी, ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस्ड फ्लोर एंड जो है वो ऑयल होता है, ये आपकी बॉडी को लेथार्जिक कर देता है, क्योंकि इससे जो है वो हीट बर्न होती है, हार्ट बर्न होता है आपका। तो ये बात है, लेकिन ये कि रोज़ा आपको बचाता है बहुत सी चीज़ों को से, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप जो है उसकी असल एसेंस जो है वो जो उसका असल मकसद है उसके ऊपर चलें। तो बिल्कुल, आप सहरी में और इफ्तारी में भी जो है ना फिर उसे रूटीन को लेकर चले। इस पर मैं आगे पे बात करूंगी, मुझे बात याद आई, इन्होंने कहा कि हम तो अपने पेट के ऊपर इतना ओवर बर्डन, उसे मैं बस तौसीक हैदर आए हुए, तो वो कहते हैं पेट भी एक इंसान है, उसके बारे में थोड़ा सोच लिया करो, नहीं कि इतना कुछ उसको खिला देते हो, सोचते रहते हैं ना, कहते हैं तो रोजा आ जाए ना, मैं बड़ी वजह से है कि एक जगह से दूसरी जगह भी जाना बंदा 10 दफा सोचता है मुझे रोजा लग ना जाए। हालांकि वैसे अगर आपने पूरा दिन कुछ ना खाया हो या आप अपनी किसी एक्टिविटी में बिजी है, स्कूल के किसी फंक्शन में बिजी है, तो पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना, हम सारा दिन पानी नहीं पिएंगे, लेकिन अब हमें साइकोलॉजिकली ये होगा कि हमने पानी नहीं पी रहे, हमें प्यास लग रही है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक्सरसाइज के बारे में आप क्या कहती हैं कि रमजान में एक्सरसाइज हो सकती है? एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन वो फिर वही बात है कि आपका टॉलरेंस लेवल क्या है। मैं तो जो रिकमेंड करती हूँ वो ये मैं कहती हूँ कि आफ्टर द इफ्तारी जो है वो आप 10 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक लें और मॉडरेशन के साथ खाएं पिएं और तरावियां पढ़ें, नमाज सारी पढ़ें, तो ये मोर देन इनफ है ना। अच्छा। लेकिन अगर आप ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते और आपका टॉलरेशन लेवल बहुत अच्छा है, आप टॉलरेट कर सकते हैं, तो आप पूरे दिन में 10-10 मिनट करके ना, वक्फे से 10 मिनट पहले फिर 10 मिनट स्लो वॉक भी कर सकते हैं, तो वो भी जिम की रूटीन होती है, जो लोग रोज जिम जाते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो है वो अफतारी और सहरी के दरमियान कर सकते हैं, अगर उनके लिए ये जो है वो जिंदगी और मौत का मसला है कि उन्होंने जिम जाना ही जाना है, तो वरना रोजों में मेरा नहीं ख्याल की एक्सरसाइज की जरूरत होगी, क्योंकि 16 घंटे का रोजा है, बॉडी वैसे ही जो है वो सारी कैलोरीज बर्न कर देती है, और अगर आप मॉडरेशन में खा रहे हैं और पूरी नमाजें पढ़ रहे हैं, तरावियां पढ़ रहे हैं, तो जिम की जरूरत नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात ये जो आपने भी की थी, इसी को फर्दर हम लेकर चलेंगे आफ्टर द ब्रेक, और वो ये है कि ये जो आपने कहा ना कि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी जो है फैट्स बर्न करना शुरू कर देती है, सो आई हर्ड कि उस टाइम पे जो अफतारी से 1-2 घंटे का पहले का टाइम होता है, उसमें अगर आप एक्सरसाइज करें तो आपको डबल इफेक्ट मिलता है। लेकिन फिर वही जो है वो
ٹالرنس کا آتا ہے نا, وہاں بے ہوش نہ ہو کے پڑے ہوں تو پھر روزہ توڑنا پڑ جائے گا. ہاں ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہونا چاہیے. چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے تو بریک کے بعد آپ ویلکم بیک ٹو میکدی مارننگ. ہمیں جوائن کیا شیف وسیم نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک آپ کو. خیر مبارک آپ کو بھی. آپ کیسا جا رہا ہے روزہ؟ ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک جا رہا ہے. پہلے دن پرابلم بڑی ہوئی تھی ہے نا. وہ فرسٹ ڈے کا جو ہے نا وہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد گزارا بھی پشاور میں ہی تھا. گرمی بہت زیادہ تھی. گرمی تو یہاں بھی زیادہ ہے ویسے. نہیں یہاں پہ پھر بھی بہتر ہے موسم. بہت بہتر ہے. اچھا وہاں بہت گرمی. فرائیڈے کو تو یہ سچویشن تھی کہ بہت ہی زیادہ گرمی تھی. اچھا تو یہ نہیں. اور ابھی جو ہے یہاں پر میں نے کل سنا اڑتی اڑتی خبر آئی کہ پنڈی میں کہیں پر بارش ہوئی, اولے بھی پڑے. تو ہوا تو بہت ٹھنڈی چل رہی تھی, پر میں انتظار ہی کرتی رہی کہ بارش ادھر بھی آ جائے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رحمت کی بارش ہو تاکہ ہمارا جو ہے دن آسان ہو. اسپیشلی ان لوگوں کے لیے میں کہوں گی کہ ہم تو روزہ جو ہے اے سی میں رکھ کے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں ہائے پانی نہیں پیا کھانا نہیں کھایا, لیکن ان لوگوں کا سوچا جن کا روزہ ہے اور انہوں نے اس گرمی میں باہر مزدوری بھی کرنی ہے تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو بس اللہ تعالیٰ رحم کرے اور بارش برسائے اور تھوڑا سا ان کا خیال رکھا کرے. اور ابھی میں بات جو کرنے جا رہی ہوں, احتیاط و خیرات کی بات ہو رہی ہے. رمضان کا مہینہ ہے اور ہم سب جو ہے چاہتے ہیں کہ ہمارے زکوٰۃ بھی ہم نکالیں, ہم خیرات بھی کریں, اور یہ بہت بہت اچھی بات ہے ایسا کرنا. لیکن آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ حق حقدار تک پہنچے اور آپ جو پیسے دے رہے ہیں وہ ایک صحیح پرپس کے لیے صحیح جگہ پر استعمال ہوں, جو حقدار ہے اس کے پاس پہنچے. ایسی بہت ساری جو ہے آرگنائزیشنز ہیں اور گورنمنٹ کی تحقیق کے بعد پتہ چلا ہے جہاں پر آپ کا پیسہ غلط پرپس کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور ان ٹرن آپ کے ہی ملک کو نقصان ہوتا ہے اور آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو آپ نے جو ہے یہ ضرور یہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے, رسپانسبل چیریٹی کرنی ہے. اور آپ نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, اپنے ہمسایوں میں دیکھیں, پھر یہ جو آپ کے سامنے آپ کی ڈومیسٹک ہیلپ ہے, آپ باہر جاتے ہیں مزدوروں کو دیکھتے ہیں, ان لوگوں کے اندر خیرات کریں. اس کے بعد اگر آپ نے آرگنائزیشنز میں کرنی ہے تو پلیز پہلے میک شیور کہ یہ لیگل آرگنائزیشنز ہو اور صحیح جگہ پر ہیومن فرینڈلی جگہ پر یہ پیسہ جو ہے وہ لگ رہا ہو. تو یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. جی آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں منٹ فرائڈ چکن ہے. ٹھیک ہے زبردست. اور ایک ڈرنک بنائیں گے جو سویٹ میلن مسٹرڈ پاؤڈر ہوگا اور لیمن جوس ہوگا. جی میرینیشن تو کرنی پڑے گی نا آپ کو. میرینیشن کے بغیر کیسے تیار ہوتا ہے؟ کیسے تیار ہوگا؟ ہم ساتھ ساتھ میرینیشن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. میں زباریہ بات کر رہی ہوں پشاور سے. جی زباریہ پشاور سے. کیسے جا رہا ہے روزہ؟ بس الحمد للہ بہت اچھا جا رہا ہے. گرمی ہے لیکن بس صحیح ہے شکر ہے اللہ کا. ٹھیک ہے بس اللہ تعالیٰ نے ہمت دی دیا ہے نا. ویسے سندر صاحب کا پروگرام بہت بہت اچھا ہے. ہم ڈیلی روٹین میں بالکل بہت فریش اپ ہو جاتے ہیں. تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ. بس دعائیں دیا کریں ہم سب کو, میری ٹیم کو, میرے مہمانوں کو. بالکل بالکل. ہماری روز دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. ہم پروگرام دیکھتے ہیں, ہم بہت انجوائے کرتے ہیں. تھینک یو جی. بہت بہت شکریہ. ہم سے کیا سوال ہے آج آپ کا؟ میں نے میاں صاحب سے بات کرنی تھی, ان سے سوال کرنا. ادھر ہی ادھر ہی پریشان نہ ہو. کیجیے کیجیے سوال. جی السلام علیکم میاں صاحب. جی جی. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. سر میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا تھا. جی. ان کا نام ناجیہ جبین ہے. جی. اور 10 جولائی 1977 کو پیدا ہوئی تھی. اچھا. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. تو سر میں نے ان کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ان کی شادی کے بارے میں, کہ ہم ان کی شادی کا کیا مطلب وہ ہے ذائقے میں اگر آپ بتانا چاہیں تو. ٹھیک ہے. کب شادی ہوگی؟ ٹائم پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی جی بالکل. اور ہمیں مطلب کوشش کرنی چاہیے, کس طرح کرنی چاہیے, کیونکہ ہم ان کے لیے بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ ابھی بھی کوئی ان کے اچھے آثار نہیں ہیں شادی کے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے 2003-04 میں کوئی بنا تھا, پھر وہ ختم ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ٹائم ٹو ٹائم چیزیں آتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. ابھی جو آنے والا وقت ہے ابھی ہیں 1-2 مہینے, لیکن اس کے بعد پھر یہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. کچھ سائن ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ پیریڈ ان کا جا کے بنے گا تقریباً مارچ 2018 کے قریب.
ठीक है, उस वक्त शादी होगी और आपको कम्प्रोमाइजेज बहुत से करने पड़ेंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और ये जब आप कम्प्रोमाइजेज करेंगे तो तब होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर आप जैसे शादी के लिए चीज़ें परफेक्ट देखते हैं वो मुमकिन नहीं होगा, बहुत सी चीज़ें हैं जो कम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी, मैं यहाँ इन डिटेल डिस्कस नहीं कर सकता, आप अंडरस्टैंड करेंगे। पर अच्छी अच्छी मतलब चीजें ना, मतलब ऐसी कोई लाइफ चेंजिंग बात तो नहीं होगी, थोड़े कॉम्प्रोमाइज आपको हर चीज में करने ही पड़ते हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा और परेशान आपने नहीं होना। मैं आपको वेबसाइट बता दूं, जो लोग डोनेशन करना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो इन ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट जो है वो www.punjab.government.pk/provincial-departments, इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो एक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो वेटेड बाय द गवर्नमेंट है, और यहाँ पर आप बेफिक्र होकर जो है अपनी अतियात और खैरात जो है वो दे सकते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल चैरिटी, हक हकदार तक, ये आपने जरूर देखना है। जी हमारे साथ एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से समन बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? आप ठीक? मैं भी ठीक हूँ। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके गेस्ट को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक, खैर मुबारक। और मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। तेरी रहमत तो हर एक पर आम है, जब से होंठों पे यारब तेरा नाम है, तेरे बीमार को काफी आराम है, तूने बख्शा हमें नूरे इस्लाम है, हम पे तेरा हकीकी ये इनाम है, जिसको तेरी खुदाई से इनकार है, बादशाह में रहकर भी नाकाम है। मुझे आवाज जो है जैगम साहब, हमें यहाँ नीचे स्टूडियो में आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है उन्होंने कुछ सुनाया है हमें। और सुंदर साहब, मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए था। ठीक है जी, देखिए ये काम की बात फौरन हमें स्टूडियो में सुनाई दे देती है, ठीक है। बाकी आपने इतना खूबसूरत हमें कुछ सुनाया, वो हमें सुनाई नहीं दिया, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, हमारी मैरिनेशन हो गई पूरी, ठीक है। जूस किया, लेमन जूस पाउडर यूज किया, मेरी ना बातों पे हंसी आ जाती है ना। सॉल्ट यूज किया हमने, ठीक है। ग्रीन कोरिएंडर पाउडर यूज किया, मस्टर्ड किया, गार्लिक किया और व्हाइट फ्लावर किया, ठीक है। ठीक है, पहले हमने उसको मिक्स किया अच्छी तरीके से, उसका हमने बैटर बनाया, बैटर बनाने के बाद हमने इसमें इसको चिकन को डाल दिया। अब ये मिंट हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, जबरदस्त जायका होता है ना मिंट का, हर चीज में। देखो ना, वैसे भी हम ड्रिंक्स में लेमन भी यूज करते हैं और मिंट भी यूज करते हैं, मिंट मार्गरिटा बहुत यूज करते हैं हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल, गर्मियों में उसी का तोड़ है इस चीज का, जबरदस्त। अच्छा, हम साथ साथ ड्रिंक भी इनको बता देते हैं कैसे बनानी है, ठीक है। इसको हमने मैरिनेट करके इसको हम थोड़ी देर रख लेते हैं, फिर हम इसे फ्राई करेंगे, तब तक हम आपको ड्रिंक बता देते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जरूरत है बस एक मेलन की, एक मेलन की जरूरत होगी हमें, शुगर, ठीक है। और इसमें भी मिंट इस्तेमाल होगा कि नहीं? जी मिंट नहीं होगा। अच्छा, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं हम, ठीक है। हम साथ में भी बना रहे, तब तक मैं जो हूँ ताकि हम आपके सवाल में ढूंढ रही हूँ, मियां नईम साहब। अच्छा जी, मियां नईम साहब एक जवाब दे दीजिए। 16th August 1991 डेट ऑफ बर्थ है जी। अहमद इनका नाम है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टरी पढ़ भी रहा हूँ, अपने मकसद में कामयाब होऊंगा कि नहीं? बिल्कुल होंगे, और वो थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना कंफ्यूज इसलिए हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन ऐसी है, और कोई ऐसा ऐसी वजह नहीं है, और बिल्कुल। और दूसरी बात है कि ये नंबर 6 है, और ल्यू साइन में जब हम देखते हैं तो ये लोग बड़े कमिटेड और वो होते हैं, अपनी रिस्पेक्ट को सामने रख के सक्सेसफुल होने वाले लोग होते हैं, तो आपका साइन जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ एक प्लेनेट नेगेटिव था, जो टाइम टू टाइम आपके एतमाद को कम करता है, अपने कुव्वत इरादी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरा रखें, बहुत सक्सेसफुल होंगे। और सेकेंड चीज़ मैं ये भी बता दूँ कि नंबर 6 मेडिकल साइंस में और ल्यू साइन में जब हम देखते हैं तो ये कॉस्मेटिक्स एस्थेटिक किस्म की जो सर्जरी या मेडिसिन है उसके लिए होगा, कॉस्मेटोलॉजी जो है वो आपको ज्यादा सूट करेगी, और वेरी लॉट्स ऑफ मनी ओवर देयर, ठीक है। मैं भी कहती हूँ कभी कभी सोचती हूँ मेडिकल कंटिन्यू ही कर लेती, लेकिन फिर आपसे मुलाकात कैसे होती, फिर मैं यहाँ ना होती, है ना। फिर ऐसे फिर मुझे भी एज अ डॉक्टर यहाँ पर बुलाया जाता है, इस तरह हमारी यहाँ पर डॉक्टर आपको इतनी पते की बातें वो बताती हैं। अगला सवाल भी मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है सब उन लोगों के लिए जो आपके साथ जिद करते हैं कि हमने रोजा रखना है, तो शुगर के मरीज और ब्लड प्रेशर के मरीज क्या रोजा रख सकते हैं, इसका हम आपको जवाब देंगे इस कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं नाजिया बात कर रही हूँ कड़ा से। जी नाजिया, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, सुंदर सब आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपने बेटे के बारे में पता करना है कि वो आर्ट
जनवरी को पैदा हुआ है 2017 में। 2017 में? हाँ जी। अच्छा। तो लोग मुझे कह रहे हैं कि उसका ना नेम चेंज कर दें, अली इब्राहिम है उसका नाम। अच्छा, क्या नाम है? सॉरी, अली इब्राहिम। नहीं, साल कौन सा बताया आपने? 2017 अभी। अच्छा, अभी 2017 अभी 8 जनवरी को। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई कतई किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं, खामखा वहम की बात है। जो नाम आपने रखा है अपनी पसंद और खुशी से रखा है, बहुत अच्छा नाम है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इसका एरीज, इसका स्टार एरीज है, नंबर इसका 8 है, और एरीज में 8 नंबर के लोग बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, और जिंदगी में आप इनसे बहुत सी तकवात वाबस्ता कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्हें हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनकी अपनी पर्सनैलिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, तो इसलिए छोटा होने के बावजूद भी अपनी बहुत सी चीज़ों को ये चाहेगा कि माँ वैसे करे जैसा मैं चाहता हूँ। तो ये आपने अभी डिस्कस कम करे थे कि बचपन से इसकी कुछ चीज़ों को मानना है और कुछ को ना मानना है। अब आपने डेट ऑफ बर्थ क्या बताई है, दोबारा बताइए? 8 जनवरी। 8 जनवरी। अच्छा अच्छा, ठीक। लेकिन बड़े सक्सेसफुल लोगों का निशान होता है, बड़े कमिटेड और डेडिकेटेड किस्म के अपने मकसद को अचीव करने वाले लोग होते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह। और नाम जो है ना बदले आपको? नहीं, तो अभी मुझे लोग कहते हैं, अक्सर औरतें आती हैं तो वो कहती हैं इनका नाम चेंज कर दे। कुछ तो लोग अथॉरिटी की वजह से कहते हैं, किसी इलम की वजह से, किसी वैसे क्या, यूं तो आपको बीसियों लोग मिलेंगे, कोई और रखेंगे वो भी कह देंगे। नामों से ऐसे जितना फर्क नहीं पड़ता जितना तरबियत से, माहौल से, तारीख पैदाइश से, जब इंसान पैदा हुआ उससे। मेरी प्यारी सी बहन, मेरी प्यारी सी बहन, आज के बाद आप किसी किस्म की कोई मनफी सोच उसके बारे में ना सोचे। मैंने आपको बताया कैफी कैनियन अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब, और खासकर 8 नंबर जिनका हो, बहुत ज्यादा कामयाब और अच्छे लोग होते हैं। कामयाब होते हैं, और आपका बेटा भी बहुत छोटा है। हाँ, अभी बिल्कुल काम खा, उसको एंजॉय करें, उससे खेलें। असल में पता क्या मसला, मैं टीचर हूँ बच्ची के लिए, ठीक है? तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि लोग जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के बारे में मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। चलो जी, इसने ना नाम रख दिया, दो नाम इकट्ठे रख दिए हैं। नहीं 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 नहीं, तो इस वजह से मैं बड़ी परेशान थी। इंसान को अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए, अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए, कान बंद रखने चाहिए, बुरी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा सोचें, अच्छा करें। जो इंसान अच्छा करता है दूसरों के साथ अच्छा होता है, अच्छा सोचता है, नीयत साफ रखता है, उसके साथ अल्लाह मियां क्यों कुछ जो है बुरा करेंगे। और अभी तो इतना छोटू सा, उसको इंजॉय करें, इस तरह की बातें अभी मत सोचो। उसने बड़े होकर आपको बहुत तंग करना है, आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी परेशान होने की। फिलहाल ये वाली एज बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है, इसको इंजॉय करें। और इन खवातीन का घर आना बंद कर दें, चाय शाय मत पूछा करें जो आके इस तरह की बातें कहती हैं आपको। अच्छा जी, हमने जी मैंने इसमें शुगर यूज की है, स्वीट मेलन डाला है इसमें, ठीक है, और सॉफ्ट ड्रिंक डाली है, ठीक है, और लेमन जूस है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे तो ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, लेमन जूस भी है इसमें, सॉफ्ट ड्रिंक भी है, तो मजे का जो है एक लेमन वाला। तो ये शाम तक ऐसा ही रहेगा या मुझे ताज़ा बनाना पड़ेगा? शाम तक ऐसे रहेगा, ऐसा ही रहेगा, मैं फ्रिज में रखवा लेती हूँ, इफ्तारी के लिए जो है ये रेडी हो जाएगा। सही, ये भी बन गया है, साथ हम रेसिपी भी बनाने वाले हैं। सवाल मैंने पूछा था, क्या ब्रेक का टाइम हो गया? अरे ये बड़ा ज़रूरी सवाल है, वापस आके जो मैं आपको बताती हूँ। चिकन हमने इसको फ्राई करना है, ये फ्राई कर लेना, चिकन हमारा मैरिनेट हो गया, इसको हमने इसमें तेल डाला हुआ है गरम, इसको हम फ्राई करेंगे, और ये भी हमारा तैयार हो चुका है, आपको रेडी दिखाते हैं। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू मेहेकती मॉर्निंग। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आपको पता है हर रमज़ान में हमारा नातिया मुकाबला होता है, जिसके अंदर हमारी एक लकी विनर होती हैं, जिनको बाइक जो है वो दी जाती है। लास्ट ईयर भी हमने 2 बाइक्स जो है वो दी थी। इस साल आपके लिए मैं अच्छी खुशखबरी लेकर आई हूँ कि हम लोग हर हफ्ते एक बाइक जो है एक विनर को देंगे। 4 बाइक्स हैं जो कि हमारे नातिया मुकाबले में जो जीतने वाले लोग होंगे उनको दी जाएगी। ये कर्टिसी है AA एक्सचेंज कंपनी की। और मैं आपको बताते चलूँ कि पूरा हफ्ता खिदमत के लंबे तरीन औकात पाकिस्तान के 25 से ज़ायद शहरों में 100 से ज़ायद ब्रांचेस के साथ सबसे बेहतरीन करेंसी एक्सचेंज रेट्स, दुनिया भर में बाहिफाजत रकूम भिजवाने और वसूल करने की सहूलत, ए एक
AA एक्सचेंज ज़रूरी है, डबल ए एक्सचेंज या AA एक्सचेंज के नाम से आप इसको जानते हैं, और ये कर्टसी है इनकी कि आपको हर हफ्ता एक बाइक जो है वो दी जाएगी। तो अपनी एंट्रीज भेजिए और आएँ और इस नाते मुकाबले में हिस्सा लें ताकि आप भी जो है बाइक जीत सकें। अच्छा जी, सवाल मैं करके गई थी बड़ा ही इंपॉर्टेंट कि शुगर के और ब्लड प्रेशर के मरीज किस तरह रोज़ा रख सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, हमारे मेडिकल फील्ड में भी इस पर जो है वो पूरा पिछला हफ्ता जब था रमज़ान से उस पर बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हुई, बड़े सेमिनार्स हुए जिसमें जो है प्रैक्टिशनर्स को बताया गया वो पेशेंट्स को कैसे गाइड करें। तो उसमें ये है सुंदर से, अगर आप जो हैं वो डायबिटिक हैं तो वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप वाले डायबिटिक है। टाइप वन है तो उनको तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि वो जो है वो रोज़ा रख सके, क्योंकि वो बिल्कुल जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। मैं पर्सनली जो है वो एक ऐसी लेडी को जानती हूँ जो पिछले 14 साल से जो है वो टाइप वन डायग्नोस्ड है एज ए टाइप वन डायबिटिक पर्सन, और वो हर साल इतने जोश और जज्बे के साथ रोज़ा रखती है और फिर उसको एंड में तोड़ना पड़ता है, और अभी तक सिर्फ 14 साल में वो एक रोज़ा कंप्लीट कर पाई है। अब हम उसको अगर मना करते हैं तो फिर वो ज़रा थोड़ी सेंटी हो जाती है, तो हम मना नहीं करते, लेकिन ये है कि उसको तोड़ना ज़रूर पड़ता है। तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ रोज़े को मजाक मत बनाएं, जब अल्लाह ताला ने आपको जो है वो इस बात की इजाज़त दे दी है कि आप नहीं रख सकते तो आप मत रखें, और आगे दिन छोटे आएंगे और सर्दियाँ होंगी तब आप अगर अपने जो है वो मॉलेज से या फिजिशियन से अगर वो आपको रेकमेंड करता है कि अब आप रख सकते हैं तो आप रख लीजिएगा। और टाइप टू में भी ये है सुंदर कि आपको जो है वो 3 to 4 weeks प्रायर जो है वो अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने जितने भी ज़रूरी टेस्ट हैं जिसमें RFT, LFT, NTSH है जो वो ज़रूर जो है मॉनिटर कराने चाहिए, और फिर जो है डॉक्टर के मशवरे से जो है वो आप रख सकते हैं। लेकिन मैं तो रेकमेंड नहीं करती कि डायबिटिक वन जो है वो रखें, और अगर रखें भी तो फिर उसके लिए जो उनका फिजिशियन होगा या जो भी स्पेशलिस्ट होगा उसको बड़ी स्मार्ट तरीके से जो है उसकी डोज जो है वो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब सहरी में कितनी लेनी है, उसको कितने परसेंट डिक्रीज करना है, और रफ्तारी में कैसे करना है। और दूसरा जो है वो आपने हाइपरटेंशन का पूछा, तो उसका रोज़े पर तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये है कि आपको सहरी और रफ्तारी में जो है वो ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे कि दिन के किसी हिस्से में जाके आपका BP शूट ना कर जाए और आपको रोज़ा तोड़ना ना पड़े, मतलब नमक कम लेना चाहिए और पकौड़े समोसों से तो बिल्कुल आप दूर ही रहें क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही ज़्यादा होता है। और फिर इसके अलावा ऐसे बहुत से फैक्टर होते हैं जिस पे आपको जो है वो रोज़ा तोड़ना पड़ जाता है, स्पेशली डायबिटिक वन को, मतलब डायबिटिक को तोड़ना पड़ता ही है चाहे जितना मर्जी जो है वो मतलब आप डोज एडजस्टमेंट कर लें। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये प्रैक्टिस किया, देखा, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये है कि मैं कोई उलमा या जो है मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि डायबिटिक वन मत रखे। हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसकी रोशनी में मैं ये कहती हूँ कि कोई भी बंदा डायबिटिक मत रखे, टाइप वन हो चाहे वो टाइप टू हो। बिल्कुल, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर आपने अल्टीमेटली रोज़ा तोड़ना ही है तो फिर उसके बाद जो है आपने 2-3 दिन उसके बीमार भी रहना है, आपकी तबीयत भी ख़राब होगी, तो आप जो है ज़रा सोच समझ के जो है ये कदम उठाइए, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़िंदगी दे जब छोटे रोज़े होंगे तो वो कंसिडरेबली जो है वो टॉलरेबल होंगे, आप टॉलरेट कर सकेंगे उनको। अच्छा, एनीमिक लोग रोज़ा रख सकते हैं? वो बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन फिर उनको अपनी डाइट पर जो है वो ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, मतलब सहरी में और अफ्तारी में योगर्ट, मिल्क और इस तरह की चीज़ें जो आपकी ब्लड स्ट्रीम को बढ़ाती हैं, जैसे कि आजकल तो वाटरमेलन भी है और स्ट्रॉबेरीज भी हैं, तो वो खाएं अनटिल अनलेस जो है वो आपको डॉक्टर ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं रेकमेंड कर दिया, आप इस लेवल के जो है वो एनेमिक नहीं है तो आप रख सकते हैं रोज़ा। रख सकते हैं, मतलब अगर आप एक्सट्रीम जिसमें ऑब्वियसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन में तो फिर आपका रोज़ा जो है वो नहीं हो सकता। अच्छा, अस्थमेटिक पेशेंट्स जो है, मैं कल कहीं पढ़ रही थी, वैसे इसकी जो प्रॉपर अथॉरिटी है मैंने कहीं भी ये नहीं सुना कि जो इनहेलर है वो आप नहीं ले सकते रोज़े में। नहीं, ये मैंने जो है मैंने आपको बताया ना कि ये 10 जो है वो मिथ्स हैं जो बनी हुई हैं कि अगर आप आँख में ड्रॉप्स डालेंगे, कान में, नाक में, तो रोज़ा टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जिस मर्ज़ी उलमा से पूछ लें, जिस मर्ज़ी मुफ्ती से पूछ लें, इसी तरह जो इनहेलर है उससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटता। नहीं टूटता, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एस्थमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको इनहेलर लेना ही पड़ता है। इस पे थोड़ी सी जो है जामे अज़हर मुख्तलिफ जो फतवा जो आए कि वो दवा जो आपकी जिस्म को एनर्जी के लिए आप लेते हैं वो ना लें, बाकी जैसे ये खाने का काम रिलीफ है, लोकली अफेक्ट कर रही है ना, जैसे आँख में डालें तो वो आँख में करेंगी, और जो है अगर आप इनहेलर भी ले रहे तो वो सिर्फ आपके लंग्स तक रहेंगे, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएंगे, तो उससे प्लस वो लाइफ सेविंग है ना, आप उसको तो नहीं ट्रीट कर सकते, वो एनर्जी नहीं दे रहा आपको। डेफिनेटली। अच्छा, दिल के मरीज, ये भी एक सवाल आया कि दिल के मरीज का रोजा रख सकते हैं? दिल के मरीज, फिर वही बात है सुंदर की, आपकी कंडीशन क्या है, आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है या क्या हुआ हुआ है, आपका बाईपास हुआ हुआ है, और आप जो है वो आपका ब्लड प्रेशर किस लेवल पे होता है, लो होता है या हाई होता है, और आप किस तरह से टॉलरेट कर सकते हैं, 3 to 4 weeks प्रायर जो है वो आप अपने स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अपने जितने भी ज़रूरी टेस्ट हैं वो कराएं,
और अपना जो है वो उसके बाद अपनी मेडिसिंस को एडजस्टमेंट कराएं और रखें आप। ठीक है, अच्छा उन लोगों के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी, जिस तरह मैंने कहा जो हमारे मजदूर बहन भाई हैं जिनका बहुत ज़्यादा जो है टाइम वो धूप में, डायरेक्ट धूप में। अच्छा सुंदर, ऐसे लोग रोज़ा रखते भी नहीं, पर्सनली स्पीकिंग मेरे पास मतलब लोग आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ, मतलब भूलिए से पता चल जाता है कि ये किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो वो मतलब बता देते हैं कि हम रोज़ा रखते ही नहीं है क्योंकि हम रख नहीं सकते, अगर हम रोज़ा रखेंगे तो घर में खाना कैसे पकेगा ना। तो मैं उनको यही मतलब, हाँ मैं मतलब जो है वो फिर बहुत, मैं तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, बहुत मेरा दिल जो है वो नर्म है, तो मैं कहती हूँ कि चलें ठीक है आप मत रखा करें, जैसे ही सर्दियाँ आए दिन छोटे आए तो फिर आप रख लें, क्योंकि फिर अगर वो रोजे रखेंगे बीमार पड़ जाएंगे तो घर का क्या होगा, घर कैसे चलेगा। अच्छा, इसका कोई वे अराउंड नहीं है कि अगर आप इतना कॉन्स्टेंटली स्वेट कर रहे हैं, मतलब आप कैसे, सूरज बिल्कुल सर पे पड़ रहा है, आपने जो है वो ईंटें सर पे रखी हुई है तो पसीने शराबूर है, तो दो नहीं तो तीन घंटे के बाद आप बिल्कुल बेहोश हो जाएंगे और इमरजेंसी में पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो फिर वो दवाइयों का अलग खर्चा होगा। तो मैं ये जो है ना जो आपने बात की ना बहुत सच है कि आपने एक मेंशन कर दिया कि एक हमारी सोसाइटी का तबका है, ठीक है, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, जिसका मतलब ये है कि वैसे ही मैल न्यूट्रिशन होते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है, जरा गौर से सब सुने कि इसका मतलब है कि मैल न्यूट्रिशन है, इसका मतलब इनके अंदर वैसे ही वो एनर्जी नहीं है जो ये लंबा जो है जो आपका पीरियड जो है वो गुजार सके बगैर खाने के, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स हैं ये लोग भी, इनका बहुत एक इंटेंसिव रूटीन होती है लेकिन वो रोजा गुजार लेते हैं, ये मैल न्यूट्रिशन नहीं है, उनका पूरा साल डाइट ऐसी होती है, फिर सहरी में डाइट ऐसी होती है और इफ्तारी में डाइट ऐसी होती है कि वो उनको पूरा दिन एनर्जी देती है। अगर आपकी डाइट वो है जो हमारे पाकिस्तान में गरीब तबके के पास अवेलेबल है, तो वो तो इंसान चार घंटे भी भूखा जब रहता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, तो वो मैल न्यूट्रिशन है। हम इंशाल्लाह, मुझे अभी एक आइडिया आया है, इसके ऊपर भी हम एक शो कर सकते हैं कि आपने अपनी पूरा साल जो है इन्हीं पैसों में थोड़े बजट में कैसे अपनी डाइट जो है वो ऐसी रखनी है कि आपके पास पूरे दिन की जो वो एनर्जी होती है वो अवेलेबल हो, क्योंकि वाकई अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती, मैं कुछ नहीं पास कर सकती आपने रखना है और आपने नहीं रखना है, ये एक पूरे साल की रूटीन है जो वो साथ साथ है, क्योंकि जो लोग फुटबॉल खेल सकते हैं बहुत एक इंटेंसिव रूटीन है रमजान, और हमने ये सुनी है और इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई है कि उनकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है और वो नहीं सही खेल रहे, लेकिन जब उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया गया तो वो बिल्कुल एक टॉप क्लास प्लेयर की तरह खेल रहे थे, इवन दो पूरा दिन कुछ खाया हुआ नहीं, कुछ पिया हुआ नहीं, तो इसका मतलब है कि हमारे न्यूट्रिशन के अंदर जो है वो एक बेसिक फर्क है। डॉक्टर साहब आप अग्री करेंगी? बिल्कुल अग्री करूंगी, है ना, तो इसके ऊपर जो है हम लोग इंशाल्लाह बात जरूर करेंगे। कुछ आपके और सवाल आते हैं मैं आपसे पूछ लेती हूँ। अच्छा, कोमल सखर से पूछ रही है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1985, मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं और माशी हालात भी ठीक नहीं। इनका एस्ट्रोलॉजिकल साइन ऐसा था, ये थोड़ा सा अरसा 2-2.5 साल और चलेगा, आदत बना लेनी चाहिए, मतलब ये सोचें कि वो इश्यूज जिनको हम दूर नहीं कर सकते उनके ऊपर बात ना करें, अवॉइड करें ऐसे टॉपिक्स जिनका सलूशन नहीं है, तो कभी कभी होता है कि हम उन मौजूदात की वजह से हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा तो जिसका इलाज कोई नहीं होता, तो जब करके देख लिए कि जैसे फाइनेंशियल है इम्प्रूव नहीं हो सकता, इनकम की एक लिमिट्स है, तो उसको एडजस्ट करें, कोशिश करें, फजूल की बहस में ना करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे 2 साल मजीद 2018 तक इनका एस्ट्रोलॉजिकल टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता है, कुछ आदत हो जाती है। ठीक है जी, बड़ी अच्छी आपने बात की। एक आखिरी सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं भूल ना जाऊं, प्रेग्नेंट खवातीन क्या रोजे रख सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रख सकती, स्पेशली अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, मतलब बिल्कुल जैसे शुरू शुरू के दिन है, तो उसमें तो आप कुछ खा पी भी नहीं सकते, आपको वॉमिट हो जाती है, तो उसमें अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो रोजा रख लें, ठीक है, लेकिन ये है कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी रोजा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो फिर एक नहीं 2 जिंदगियों का सवाल होता है। आप बाद में रखें, मैं सबको ये कहती हूँ कि प्लीज बाद में रख लीजिएगा जब आप ठीक हो जाएंगी। मेरे पास एक लेडी आती है, वो वैसे ही शौक ही रोजा रखती रहती थी, तो जिस दिन रोजा होता था तो वो आ जाती है शाम को हमारे पास कि आज मैंने रोजा रख दिया था, हालत खराब होती है, तो फिर आप उसको समझा के थक गए हैं कि प्लीज भी रोजे मत रखो, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी रोजे रखते हैं, तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ। आप जिस तरह ने कहा कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 2 जिंदगियों का सवाल होता है, मैं एक आसान हल आपको बताऊंगी, अपने डॉक्टर से जरूर, अगर आप किसी भी इस किस्म की कंडीशन का शिकार है अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बेहतर बता सकते हैं, कुछ लोग बेयर कर सकते हैं कुछ नहीं बेयर कर सकते। टाइम हमारा जो है खत्म होता जा रहा है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, आप जो है
آج کی ہماری جو شو ہے اس کا اختتام میں ہمیں خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر ہی کریں گے. اور ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو آپ نے خیرات و عطیات کرنی ہے ذمہ داری سے کرنی ہے, حق حقدار تک آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ آپ جانچیں, آپ پوچھیں کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں لگ رہا ہے, تاکہ ایک رسپانسبل چیریٹی ہو اور اس سے کوئی نقصان نہ ہو, فائدہ ہی ہو. میری طرف سے اللہ حافظ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. اور آج کی محفل کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں خوبصورت سی نعت سے. حال دل کے اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کے اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے آقا آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے, میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے, غم مجھے کیوں کر ستائیں آقا آپ کے ہوتے ہوئے, غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ ہے, اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ ہے, ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل اس پروگرام